मेरा भारत महान। इस मुल्क में अलग अलग धर्म के लोग अमन चैन से एक साथ रहते हैं। अनेकता में एकता है, तभी तो है मेरा भारत महान। दुश्मन मुल्क, टेररिस्ट, माफिया, सबने मिलकर हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने की भरपूर कोशिश की और कर रहे हैं। जैसे कि 93 के मुंबई ब्लास्ट, 98 कोयम्बतूर बम ब्लास्ट, 2002 अक्षरधाम अटैक्स, 2007-2013 हैदराबाद ब्लास्ट। उन्होंने इन्हीं घिनौनी हरकतों की बदौलत मुल्क को तोड़ने की कोशिश की थी, पर वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। दैट्स द स्पिरिट ऑफ इंडिया। जो गैंगस्टर मुंबई ब्लास्ट के बाद मुल्क छोड़कर भाग खड़े हुए थे, उन्हीं में से एक था साधु भाई। सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, फिलीपींस पर कब्जा जमाते ही वो साउथ ईस्ट एशिया के माफिया का गॉडफादर बन बैठा। ताकत की खातिर उसने आतंकवादियों से मिलकर देश में बम ब्लास्ट की मदद से दहशत फैला दी। 20 साल इंडियन गवर्नमेंट के गले की हड्डी बना रहा था वो साधु भाई। लेकिन साधु की सल्तनत के खिलाफ एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम था बादशाह। लोग माफिया में इसलिए आते थे कि पैसा कमा सकें या दहशत फैला सकें, पर बादशाह अपने पिता की खातिर माफिया में आया था। बादशाह, तूने पूरे माफिया की बजा रखी है, ग्रेट, पर तू एक गलती कर बैठा जो तूने माफिया के गॉडफादर साधु पर हाथ डाला। येड़ा रॉबर्ट, तूने इस येड़े रॉबर्ट के भाई को मार डाला। येड़ा रॉबर्ट फिल्मों का दीवाना था, रोज तो फिल्में देखा करता था, पर हर बार देखने के बाद मैं सोचा करता था कि जब विलन को पकड़ते हैं तो उसे मारने के बजाय नसीहत क्यों देते हैं, और मैं कंफ्यूज हो जाया करता था। पर अब मेरी समझ में आया, ये एक नशा होता है लोगों की आंखों में डर देखने का। गुड न्यूज, मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें थोड़ा तड़पाऊंगा। पर कैसे कैसे कैसे? हाँ डैडी, समझ में आ गया, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बाप को मारूंगा। ए, बादशाह के लाडले बाप को पेश किया जाए। पिंजरे में बंद कर देने से शेर बिल्ली नहीं हो जाता। जब ये शेर पिंजरा तोड़कर बाहर आता है तो शिकारी खुद शिकार बन जाता है। Oh, shit.
बादशाह, तुम्हें सिर्फ हांगकांग पुलिस नहीं, इंडियन पुलिस भी तलाश कर रही है। बस मेरे पापा का ख्याल रखना। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है और इसका सलूशन मैं ढूंढ निकालूंगा। जब आदमी को ठंड लगती है तो कंबल ओढ़ लेता है, अगर जानवरों को ठंड लगे तो वो बेचारे कहाँ जाए? डोंट बी सेल्फिश, सी द नीड्स ऑफ फिश। अब जाकर मैंने अपने लिए नाश्ता करने का हक पाया है। इंकी पिंकी, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। याद रखना क्या कहना है। दीदी, मैंने घर का टॉयलेट साफ किया। मैंने डस्टिंग की घर की। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ब्रेकफास्ट कर लो। ये क्या दीदी, तुमने तो ब्रेकफास्ट करने से पहले सोशल वर्क का कोई लेक्चर नहीं दिया, आज अचानक कैसे बदल गई दीदी? क्योंकि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स खत्म करके इंडिया वापस जा रही हूँ, इसलिए लास्ट 10 डेज यादगार बनाने के लिए मैक्सिमम मस्ती करूंगी। दीदी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो सरप्राइज का क्या मतलब होता? हाय चार्ल्स। चाओ 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 जानकी। चाओ क्रिस्टोफर। चाओ एंड्रिया। चाओ चाओ चाओ। टू मच दीदी, हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं पर हमारा नाम कोई नहीं जानता। तुम्हें यहाँ बस 1 साल हुआ है, तुम तो फेमस भी हो गए, तुम ये कैसे मैनेज करती हो? सोनिया दी ने तो इटली से जाकर इंडिया को अपना लिया, दीदी का तो रिवर्स गियर होगा, तुम इंडिया से आकर पूरे इटली को अपना लेना। चाओ एंजल। ये काओ काओ और चाओ चाओ सुनकर आपको हंसी आ रही होगी। इटली में चाओ का मतलब होता है हेलो। अब अगर ये जानना है कि ये लोग जानकी को पहचानते कैसे हैं, तो हमें इनके साथ चलना होगा। हम तो घूमने जाने वाले थे, तुम हमें हॉस्पिटल क्यों लेके आई हो? टेंशन मत लो, चलो। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग। वुड लाइक टू डोनेट ब्लड। तभी तुमने लेक्चर ना देकर नाश्ता करने दिया, मैं नहीं दूंगी। सुनो पिंकी, ज्यादा खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, लेकिन खून बांटने से सिर्फ खुशी मिलती है। ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मैम, वी नीड बी पॉजिटिव ब्लड फॉर पेशेंट इमीडिएटली। डू यू गाइस हैव बी पॉजिटिव? यस, वन सेकंड। डैडी, अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या बात है, तुम सब लोग ठीक तो हो ना? हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप निचोड़े जाओगे। फिर ब्लड देना है? तुम ये क्या करती हो? शूटिंग कोऑर्डिनेशन में कितना टेंशन होता है मालूम है? वहाँ लोकेशन पर बाबू भाई नाच। अंकल, शूटिंग कोऑर्डिनेशन से पैसा मिलता है, ब्लड डोनेशन से पुण्य मिलता है। ये पुण्य मुझे हर महीने मिलता है, मगर कमाई तो 6 महीने में एक बार होती है। पुण्य का फल भी तो मिलेगा। इज ही द डोनर? यस ही इज। प्लीज सर, प्लीज कम विद मी। डोंट वरी अंकल, कुछ नहीं होगा, हम यही है। खून निकाला 1 किलो और पकड़ा दिया 200 ग्राम का सेब। अंकल भी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ही तो निकाला है बेटा। देखिए अंकल, भलाई दीवार पर मारी हुई एक गेंद है, जब लौटती है तो डबल खुशी लाती है। ऐसा नहीं होता बेटा, लास्ट मंथ एक प्रोड्यूसर के लिए मैंने 1000 यूरो उधार लेकर दिया था, आज वो मेरा फोन नहीं उठाता। आजकल दीवार पर गेंद मारो तो वो लौटती नहीं है बेटा, चिपक जाती है, खींच कर निकालनी पड़ती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हेलो, हाँ आ गया क्या? थैंक्स सर। क्या हुआ अंकल? उसी प्रोड्यूसर का फोन था, उसने पैसा चुका दिया है। मैंने कहा था ना, इस बार गेंद लौट आई। तुम दोनों अपने डैडी से कुछ सीखो, खून तो वही है पर अकल नहीं है। इनका ग्रुप अलग है बेटा, मेरी तरह इनका दिल बड़ा नहीं है। अरे हाँ, मर गया, कहीं ये गुर्दा नहीं मांग ले। दिल से याद आया, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, एक बच्चे का ऑपरेशन करवाना है। सॉरी बेटा, उन्होंने खून निकाला है, तुम दिल मत निकाल लेना। डैडी ले गए। दीदी, बैचलर्स डिग्री करने वाले भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी की मदद करो और फिर उसकी आंखों में झांक कर तो देखो। उसकी आंखों में तुम्हें शक नजर आएगा। चुप रहो, तुम दोनों को समझाना बहुत मुश्किल है, चलो कलेक्शन करते हैं। तुम कोई हीरोइन नहीं हो जो तुम्हें देखने के पैसे मिलेंगे, अभी तक सिर्फ 5 यूरोज मिले हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। नो वे, जब तक हमारा 10,000 का टारगेट पूरा नहीं होता हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। 10,000 यूरोज? हाँ, बैंक को ही लूटना पड़ेगा। जरूरत नहीं, लोगों के जमीर को जगाते हैं। क्या कहा? जमीर को जगाना पड़ेगा? हद है, ये लैंग्वेज समझने के लिए तो डिक्शनरी की जरूरत है, अब तो हमें खुद माइकल जैक्सन को ही बुलाना पड़ेगा। Hey!
नहीं सुनिए बबली, तुम तो बेवकूफ जैसा बिहेव कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए सड़कों पर पागलों की तरह नाचता रहा पर तुम नहीं आई। देखो बबली, मेरी जिंदगी के साथ ऐसी बदमाशी मत करो। अब मैं समझ गया हूँ बबली, लोग तुम्हें बबली बदमाश क्यों कहते हैं। हेलो हेलो प्लीज वेट। डूड, तुमने ये सब उस लड़की के लिए किया ना? जब वो थैंक्स बोलने को आया तो तुमने उसको अवॉइड क्यों किया? सारी कहानी थैंक्स पर ही खत्म हो जाती। इग्नोर करने की वजह से रात भर वो मेरे बारे में सोचेगी। That's what I want. वो आया और मदद करके चला गया, पता नहीं दोबारा मिलेगा भी या नहीं। नहीं मिलूंगा दोबारा। तुम भी यही चाहती हो ना बबली? तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो ना? तो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी से नहीं, मैं तो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता हूँ। गुड बाय। हेलो, हाँ आप ही को बोल रही हूँ। स्टॉप, हिलना मत, मैं आ रही हूँ, आगे मत जाना। रुको, क्यों आ रही हो तुम? मैं मरना चाहती हूँ। इस तरफ आइए। क्या कर रही हो? क्यों रोका तुमने? आपने उस दिन अनजाने में मेरी चैरिटी के लिए काफी हेल्प की, तो अब मुझे धकेलने में तुम मेरी हेल्प करो। नहीं, नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? एक दिन मेरे साथ रहिए। सॉरी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। हेलो, मैं भी चीप नहीं हूँ। तो कॉस्टली हो। अरे ये आदमी है कि घन चक्कर, मैं जा रही हूँ। पर तुम्हें मेरे साथ दिन गुजारना था ना। हाँ, और उस एक दिन में मैं आपको जीने के हजार रीजंस दूंगी जिससे आप खुदकुशी का ख्याल खुद ब खुद छोड़ देंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे पास खर से बनने वाला शब्द नहीं है। एक दिन मरने का ख्याल छोड़ दीजिए। ओके ओके, चलता हूँ। मेरे मरने के ख्याल से अगर तुम मर गई तो तुम्हारी बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाऊंगा। थैंक यू जी, मैं बच गई। लोग मरने वालों की इच्छा पूरी करते हैं, यहाँ मरने वाला तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, बट ऑन वन कंडीशन। क्या कंडीशन? अगर तुम मेरी लाइफ में होप ना क्रिएट कर सकी तो तुम खुद मुझे यहाँ कल ड्रॉप करोगी, क्योंकि बबली मुझे पूरा कंगाल कर चुकी है। ओके डन। चाओ जानकी मैडम। चाओ पीटर। नो पीटर, नाउ आई एम पीटर गणेश। प्लीज सिट डाउन मैडम, आई विल गेट यू समथिंग। पीटर गणेश, इस नाम के पीछे एक लंबा फ्लैशबैक है। मुझे बोर करने के लिए बचाया है। एक दिन तो मिला है, उसमें पीटर गणेश, शंकर गणेश की फ्लैशबैक की कहानियां सुना रही हो। सब्र से काम लीजिए, पॉइंट पे आती हूँ ना। पीटर का भी आप ही की तरह सुसाइड केस था। सेम स्पॉट? सेम स्पॉट नहीं, ऑन द स्पॉट। मैंने उसे बचाया है। मैं उसे बचाकर घर ले आई और पूछा, तेरी प्रॉब्लम क्या है पीटर, मुझे बताओ। तब वो बोला, अलग अलग तरह के बिजनेस करके वो दिवालिया हो गया। मुझे तो वो शक्ल से ही बेवकूफ लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पार्टनर ने उसे चीट किया। हैला, एग्जैक्ट बबली बदमाश की तरह। एग्जैक्टली, मैंने कहा पीटर जिंदगी खत्म करने के लिए हिम्मत चाहिए, वही हिम्मत जिंदगी बनाने में लगाओ। एक बार में सुधर गया वो। जब मैंने उसका बनाया हुआ टेस्टी खाना खाया तो मैंने उसे ये रेस्टोरेंट खोलने को कहा। उसे एक गणेश की मूर्ति दी और भरोसा दिया। इसी भरोसे ने बिजनेस ऊपर उठा दिया, प्रॉब्लम को नीचे गिरा दिया। लाइफ इज ब्यूटीफुल, डेथ इज हॉरिबल, ये तो समझ गया। आपके भेजे में घुसा या नहीं? जब फटी हुई गेंद मिले तो मत घबराओ, जिंदगी में गम हो तो उन्हें भी अपनाओ। फटी हुई गेंद में पैच लगाओ और खेलो, वैसे ही जिंदगी में भी पैच लगाओ और मुस्कुराओ। देखो, वो जिंदगी में पैच लगाकर जी सकता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम फाइनेंशियल है। मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम। हाँ मैं जानती हूँ, वो पीटर तो एक बार में सुधर गया था, लेकिन आपको वक्त लगेगा। ये पुतला मुझे क्या सीख देने वाला है? सब्र रखो। चाओ जानकी मैडम। चाओ जेम्स। ये जेम्स पहले एक जेब कतरा था। तुमने इसमें क्या खासियत देखी? पेशेंस। ये अपने शिकार के लिए चुपचाप एक जगह घंटों खड़ा रह सकता था। समझ गया, तो तुमने तरकीब निकाली जिससे ये पैसे कमा सके। करेक्ट। पहले जेम्स लोगों की जेब से पैसे निकालता था, अब लोग खुद अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते हैं। देखो। हाय दीदी। ये कौन है? ये रामराज है, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची होती तो ये ऊपर पहुंच गए होते। रामराज, ये मेरे कजन इंकी पिंकी। और बाप का नाम डोंकी। बुरा मत मानो, ये सदमे में है, लवर ने धोखा दिया है। शक्ल से तो खुद धोखेबाज लगता है। देखा इसने क्या कहा, जिसे लड़की धोखा दे वो बदतमीज हो ही जाता है। उस बबली बदमाश के पीछे पीछे मैं इस देश में आया, जेब में पैसे नहीं बचे, पर जैसे उस बदमाश के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि कोई मुझे गले लगा ले और कहे रामराज सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराओ, हिम्मत से काम लो, मगर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे इधर आओ। देखो परेशान नहीं होते, मैं हूँ ना, डोंट वरी। देखो कैसे दीदी से चिपक रहा है। उसने मेरी लाइफ को फुटबॉल की तरह किक मार दी। फुटबॉल से मुझे याद आया, जीवन एक खेल का मैदान है, अगर गेंद खो जाए तो क्या हम खेलना छोड़ देते हैं, नई गेम खरीद लेते हैं। अगर बबली बदमाश नहीं मिली तो दुखी मत हो, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, क्रिकेट बॉल जितनी छोटी है। बास्केटबॉल जितनी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने वाले एक इंसान के बारे में बताती हो तुम्हें। उसे किसने परेशान किया? भगवान ने किया। 3 साल की उम्र में माँ गुजर गई और 13 साल की उम्र में पिताजी। और 23 साल की उम्र में? इतना गैप नहीं था, अगले ही साल उसके अंकल आंटी भी गुजर गए। अरे बाप रे, इतने लोगों को खाकर वो अब भी जिंदा है, कौन है ये राक्षस? अब क्या बताऊं? मैं पहाड़ की चोटी पर योगा करने गया था, पैर छूने झुका, उसे लगा मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और वो मुझे अपने घर ले आई, काम न धाम मस्ती है, लाइफ हो गई है फुल हैप्पी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लगता है कोई आया है।
गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मुकुल. प्लीज कम. एनी प्रोग्रेस? आपके इंस्पिरेशन से मेरे मरने की इच्छा अब जीने में बदल गई है. मैंने भी अपने अंदर आपकी तरह दूसरों की मदद करना सीख लिया. वेरी गुड. तो फिर तुमने क्या किया बताओ? चर्च जाकर पुअर चिल्ड्रन को पास्ता बांट कर आया मैम. पास्ता बांट क्या है? इंडिया में दान में जैसी रोटी फेमस, इटली में भिखारियों में पास्ता फेमस. वेरी नाइस. और फिर बगल वाली को गोद में लिया. मुकुल! मेरा वो मतलब नहीं था मैम, वो आकर मेरे गोद में गिर गई. तुमने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल नहीं. केले के छिलके पर पैर पड़ने से वो स्लिप हो गई थी. वो क्षण परम आनंद का था. मैं आपकी आत्मकथा के दूसरे चैप्टर पर हूँ. आपकी गेंदों वाली फिलोसॉफी पर मैम बहुत अच्छी निकल कर आ रही है. मुकुल, मुझे तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, तुम लिखते रहो. खिलौनों की दुकान खोली है जो तू गेंद बेच रहा है? हे, मैडम की गेंद की फिलोसॉफी नहीं जानता तू? ये मूर्ख कौन है? ये है रामराज. वनवास जाए? आत्महत्या कर रहे थे, लवर ने चीट किया. मैडम क्या हुआ? मुझे बबली बदमाश की याद आ गई मैडम. मैं जा रहा हूँ मैडम. रुको. नहीं नहीं मैडम, मुझे मैडम कुछ नहीं होगा. मैडम मैं मरना चाहता हूँ, जल्दी जाके कटना चाहता हूँ. ऐसी बात नहीं करते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ. छोड़ दो मैडम, जाने दो इसे, वो कहीं भी जाकर मरे. मुकुल, मैं ऐसा सोचती तो तुम होते यहाँ? सॉरी मैडम, ये रात को यही रुकेंगे, समझ गए? मैं क्या करूँ? तुम इनका ख्याल रखोगे. मेरी मिसालें, मेरी फिलोसफी, इन्हें समझाओ, इनमें जिंदा रहने की आस जगाओ. समझ में आया? ये अभी मर जाएगा. समझ गया मैं. देखो रामराज, बचपन में हम पेंसिल से लिखते थे, पता है क्यों? ताकि गलती हो जाए तो मिटाकर सुधार सके. अब बड़े हो गए हैं तो पेन से लिखते हैं, गलती करने का नो चांस. बवाल थॉट है मैम. मैम अगर आप कहें तो मैं ये पेंसिल वाली बात इसमें डाल दूं. मुकुल, ऐसी मेरी कितनी बातें लिखते रहोगे? अच्छा लिख लो. रामराज मैम, मैंने जो कहा उसके बारे में रात भर सोचते रहना. पेंसिल के बारे में मैम? करेक्ट. अच्छा, मैं सुबह मिलती हूँ. रात को बबली की याद आ गई तो मिस्टर मुकुल विल टेक केयर. ठीक है ना मुकुल? बिल्कुल. गुड नाइट. गुड नाइट. आई विल मिस यू मैम. गुड नाइट. कौन है तू? आत्महत्या करनी है तो चला करके दिखा. चल, भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाता है, खाल खींच लूंगा. दारू कहाँ है? कौन सी दारू? वोडका. खुशबू से ब्रांड भी पहचान लेते हो? आंखें देखकर कैरेक्टर भी बताता हूँ. चालू चीज है. क्यों बे, पूरी फैमिली मर गई? कोई नहीं मरा, सब जिंदा है. देख मुकुल, तुझे जरूरत है पैसों की और मुझे जरूरत है जानकी की. 10,000 यूरो, आज से तू मेरा आदमी है. आपने मुझे खरीद लिया. देखो रामराज, उस तरफ मौत है, इस तरफ जिंदगी है, फैसला तुम्हारे हाथ में है. मैम मिसाल कमाल की है, घर जाकर आत्मकथा में घुसा देता हूँ. बंद करो, जानते हो ना मुझे तारीफ पसंद नहीं है. अच्छा लिख लेना. देखो राम, प्रॉब्लम एक गेंद की तरह होती है, उसे आंखें खोलकर पास से देखोगे तो बड़ी दिखेगी, अगर दूर फेंक दोगे तो छोटी दिखेगी. गेंद तो हाथ से फेंक दूंगा पर बबली को उठाऊंगा कैसे? वो तो भैंस जैसी. तो ये बात है, तुम्हें बबली बदमाश से प्यार नहीं, नफरत है. नफरत निकाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व. गेंद की हवा निकलती है, नफरत की हवा कहाँ से निकालो? जानकी के पास सब सॉल्यूशंस है. मुकुल यहाँ आओ. यस मैम. समझो ये बबली बदमाश है, सारी भड़ास निकाल दो. मैम मैंने ब्रेकफास्ट हैवी किया है और नहीं खा सकता. ये ट्रीटमेंट है, प्लीज कोऑपरेट. रामराज अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो. ले ली ना, अब बबली बदमाश की सारी बदमाशियां याद करो. याद करो, याद करो. कम ऑन, गुस्सा लाओ, गुस्सा लाओ. अब आंखें खोलो. तुम आ गई बबली बदमाश. हैं? मैम तुमने बहुत टॉर्चर किया है मुझे. अपना तो नहीं माना पर मुझे अपना नौकर बना लिया. जब भी तुम अपना घर बदलती थी तो सामान ढोने के लिए मुझे कुली बनना पड़ता था. जब भी तुम्हारे घर में मेहमान आते तो खाना मुझसे पकवाती थी. मैं उनके झूठे बर्तन धोता और तुम सब मेरे पैसों से ऐश करते. गणेश, रमेश, सुरेश, प्रकाश सबके साथ जाकर थिएटर में फिल्म देखती थी तुम, और मुझे घंटों थिएटर के बाहर खड़ा रखती. भाई क्या वो अभी इटली में है? सॉरी मैम. ये फोन दो मुझे. मेरे दिए इस फोन से दूसरों के साथ इश्क फरमाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तू भी जब फाड़ दे. मैम ये क्या हुआ? ये तो कमाल हो गया, मेरी सारी नफरत चली गई और मेरा फोन ले गई. तो क्या हुआ? फोन ही था ना. रामराज का गुस्सा चला गया, बहुत बड़ी बात है. मैम हाँ? एक ही दिन में मरने का ख्याल चला गया. 10 दिन साथ रहेंगे तो जीने की राह भी ढूंढ लूंगा. प्लीज मैम. दीदी 10 दिन तक खाली नहीं है, उनको इंडिया वापस जाना है. मैं इंडिया जाऊँ तब तक रामराज हमारे साथ रहेंगे. दीदी इनकी तुम्हें गेंद खेलने के लिए चाहिए, इन्हें गेंद जीने के लिए चाहिए. एग्जैक्टली मैम, आप हर गेंद को विकेट कीपर की तरह झट से लपक लेती हैं. बादशाह तुम्हारा काम कहां तक पहुंचा? जानकी मिल चुकी है, कुछ ही दिनों में काम पूरा हो जाएगा. खबर है कि साधु भाई के लोग इटली पहुंच चुके हैं. I'll take care of that. तुम बस पापा को संभालना. ठीक है.
यार तुझे हाथ क्या लगा है? तू तो गला पकड़ रहा है। तुम बच गए वरना मुझे पीछे से छूने वाला आज तक नहीं बचा। हाय, मीट द स्टार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मिलते हैं आज के सेलिब्रिटी से, जो है एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने लटकता भूत, भूतनी ने मारा पिशाच, फुटबॉल खोपड़ी का इस तरह की डराकर हंसाने वाली फिल्में बनाई है। तो चलिए बात करते हैं भूतिया नागनासुर जी से। नागनासुर जी नमस्कार। नाग जी, लोग जब स्टोरी लिखते हैं तो वो किसी हिल स्टेशन या विदेश में जाकर लिखते हैं, आप कहाँ जाते हैं? भूत मंडली के बीच में। व्हाट? यस, मैं स्टोरी सेटिंग भूत लोगों के साथ करता हूँ। ये एड़ा कहीं साथ मिलकर लिखनी चाहिए, भूतों के साथ क्यों? राइटर्स बात नहीं समझते, भूत लोग समझ जाते हैं। सुना है कि आपकी हर फिल्म की हीरोइन से आपका चक्कर चलता है। ये मेरे काम करने का तरीका है। मेरे चक्कर चलाने से वो मुझ पर इतना चिल्लाती है कि एकदम भूतनी जैसे लगने लगती है। बाकी डायरेक्टर्स कहते हैं कि वो जहाज के कप्तान है, आपकी क्या राय है? ये बकवास है। मेरे हिसाब से डायरेक्टर जहाज का कैप्टन या टैक्सी का ड्राइवर, हवाई जहाज का पायलट या ट्रेन का इंजन ड्राइवर नहीं होता। तो फिर? चोर होता है। चोर? जो डायरेक्टर सिनेमा में लड़कियों को आधे कपड़े पहनाकर बॉक्स ऑफिस के जरिए लोगों की जेबों से पैसे चुराए, ऐसा चोर। इतने गंदे ख्याल हैं आपके। सुना है कि आपकी फिल्म भूत की खुजली के विलन का कैरेक्टर माफिया डॉन येड़े रॉबर्ट की जिंदगी से लिया गया है। यस, चोर अंधेरा साला। तो जो भी आपने फिल्म में दिखाया वो सच है। आपके लिए येड़ा रॉबर्ट एक डॉन होगा, पर मेरी खोज ये कहती है कि वो एक फनी आदमी है। एक ब्रोकर, जोकर, लोफर, डफर। एक्चुअली वो अपने इनिशियल डेज में कुत्तों की खुजली साफ करता था, और जैसे ही उसके बॉस का बुरा टाइम आया तभी उसका टाइम बदला और वो डोंकी से डॉन बन गया। उसने कभी आपको धमकी भरा फोन नहीं किया? हाँ, एक बार 4 करोड़ की मांग की थी उस गधे ने। मैंने कहा कि तेरे पिछवाड़े में रॉकेट लगा के आग लगा दूंगा, और उसने डर के मारे फोन ही काट दिया। सर, आपकी अगली फिल्म भूत की खुजली पार्ट 2। पार्ट 1 तो फ्लॉप हुई थी, इसीलिए तो मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ये भी हुई तो पार्ट 3 बनाऊंगा। ऑडियंस जरा बच के, पार्ट 2 आ रहा है। तो ये थी नागनासुर जी से खास मुलाकात। I want his phone number. ये एंकर मेरा बचा कुचा दिमाग खा गई। हेलो, येड़ा रॉबर्ट बोल रहा है। सर, जरा तेरे येड़े डायरेक्टर को फोन दे। हाँ, अभी देता हूँ सर। मेरे फोन से लड़कियों पटाते रहते हैं। लड़की नहीं है, कोई और है। येड़े रॉबर्ट का फोन है, फोन काट तू क्या? अबे हट सर। हाँ रॉबर्ट, क्या बोल रहे हैं? ए, क्या बक रहा था? क्या बक रहा था टीवी पर? ऊपर नीचे से तेरे को 2 छोटा कर देगा। अबे गलीस, 2 दिन के बाद शूटिंग लेटली जा रहा हूँ। तेरे पास अगर गुंडे हैं, उनके गन में गोली है, टिकट का पैसा भी है, तो वहीं भेज देना। अभी तेरे भागा, अभी तेरे भागा। ये क्या सर, आपको ऊपर जाने की इतनी जल्दी है क्या? माफिया से ऐसे बात करते हैं? ए, माफिया मतलब अंडरवर्ल्ड, मतलब जमीन के नीचे। मिट्टी में लौटने वालों से कैसा डर? जब मैं ऊपर वालों की इज्जत नहीं करता, उन्हें ठेंगे पर रखता हूँ, तो नीचे वालों को तो गटर में ही भेजूंगा। सुनो जानकी, जानकी कौन है? वो क्या है कि डायरेक्टर भूतिया नागनासुर आए हैं, उन्हें मुझे लोकेशन दिखानी है, पर इस समय विमल कौसर भी यही है। कैन यू प्लीज मैनेज? नो प्रॉब्लम अंकल, मैं संभाल लूंगी। थैंक्स बेटी। मुकुल लेट हो रहा है, मैम के पास पहुंचना है। हाँ चल रहा हूँ बाबा, पर एक बात जान लो, जानकी मैडम को पटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन काम करने में ही मुझे मजा आता है। आपको तो लोगों की पिचकी गेम में हवा भरनी है, आप फिल्मों में कहाँ फंस गई? रामराज, इस काम के पीछे मेरा अलग स्वार्थ है। स्वार्थ? और आप? मैं नहीं मानता। मेरा अपना स्वार्थ नहीं, सामाजिक स्वार्थ। सुनने में अच्छा लग रहा है, पर इसका मतलब? एक दिन मैंने टीवी पर इस डायरेक्टर का इंटरव्यू देखा, बहुत ही घटिया बात करता है। इसके दिल में औरतों के लिए इज्जत ही नहीं है, बच्चों के लिए प्यार नहीं है, समाज के लिए जिम्मेदारी ही नहीं है। सेक्स, वायलेंस, भूत, चुड़ैल, कितना डरावना है। इसलिए अगर इसकी सोच बदल दें और गेंद की फिलॉसफी पे फिल्म बनवा लें, तो पूरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिनेमा बहुत पॉपुलर मीडियम है। बिल्कुल करेक्ट। सिनेमा ने ही हमें शादियों में नाचना सिखाया है, पेड़ों के पीछे छुपकर गाना सिखाया है। पीठ पीछे खंजर भौंकना भी तो। तुम चुप रहो, हमेशा बेतुकी बातें करते। सॉरी मैम। डायरेक्टर आ गए। सूर्या। हाँ सर। कोऑर्डिनेटर गोपी से कहना कि मुझे कोई तकलीफ ना हो। गुड मॉर्निंग सर, हमें गोपी जी ने भेजा है। वो कहाँ है? सर एक्चुअली मर गया क्या? मरे नहीं है सर, उन्होंने आपको संभालने के लिए हमें भेजा। अबे मैं क्या मरीज हूँ? सर बैठ कर आराम से बात करें। सर ये है मिलान की लोकेशन। सूरज जी सर, ये राज शेट्टी की फिल्म की क्या रिपोर्ट है? डब्बे में गई है सर, लोगों ने अपने टिकट के पैसे वापस रखवा लिए। सब गाली दे रहे हैं हीरो और डायरेक्टर दोनों को। हेलो, क्या हाल है राज? मैं भूतिया नागनासुर बोल रहा हूँ इटली से। हाँ भूतिया जी, वहाँ फिल्म का क्या हाल है? अरे क्या हाल होगा बॉस, तेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। क्या? यहाँ के खरीदारों ने भगवान की फोटो हटाकर आपकी फोटो लगा रखी है। ऐसा क्या? तेरी फिल्म हिट है, सक्सेस एंजॉय कर, तब तक मैं अपनी अगली फिल्म की कहानी लेकर आता हूँ। मिलता हूँ राज, लव यू। थैंक यू भूतिया जी, लव यू। यहाँ के लोग ना हिट को फ्लॉप बोलते हैं। भूतिया जी को डेट दे दे जल्दी। ये क्या सर,
जो फिल्म इतनी बुरी तरह से पिट गई उसे आप हिट कह रहे हैं? इसे 3 महीने बाद फ्लॉप का पता चलेगा, तब तक ये हमें जल्दी ही डेट दे देगा। मरा हुआ हीरो भी 1.25 लाख का होता है। जल्दी से फिल्म का शेड्यूल बनाए सूरज। सर, स्टोरी की रिक्वायरमेंट्स मुझे बताइए तो मैं आपको लोकेशंस बता सकूं। मेरी रिक्वायरमेंट है स्टोरी। बिना स्टोरी के आप लोकेशन ढूंढने जा रहे हैं? लोकेशन देख के स्टोरी बनाऊंगा। तो समझ लीजिए आपको स्टोरी मिल गई सर। मेरी मैडम के पास रेडीमेड स्टोरी तैयार है, आप उन्हें एक बार चांस तो दीजिए। जुबली हिट स्क्रिप्ट है तो सुनाओ। जुबली हिट स्क्रिप्ट रेडी सर। एक बार की बात है, हीरा नगर के पास सोनापुर गांव में एक करोड़पति रहता था। नाम करोड़ीमल था क्या? नहीं सर, फकीर चंद था। ओ। एक करोड़पति होने के बावजूद उस इंसान की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सबकी सेवा करे। उसने करोड़ों की जायदाद से बनवाया हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, सुलभ शौचालय, मंदिर, स्कूल, सड़कें, तालाब और बहुत कुछ। और जब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा ना, तो वो अपने एक जोड़ी कपड़े में एक झोपड़ी में रहने चला गया। अभी नाम जस्टिफाइड हुआ, फकीर चंद। इतना ही नहीं सर, इस स्टोरी का एक अच्छा सा टाइटल भी सोच रखा है। वो क्या है? फकीर जायदाद लुटाकर बन गया अमीर। टाइटल है कि कहानी? भिखारी बन गया अमीर। अगर मैंने ये फिल्म बनाई तो भिखारी कोई बने ना बने, मैं जरूर बन जाऊंगा। अरे सूरज सर, इनकी बकवास स्टोरी सुनकर एक ऑस्कर विनिंग स्टोरी स्ट्राइक कर गई है, एक भूतनी का प्यार। इस कहानी का हीरो लूला लंगड़ा है और हीरोइन भूतनी। हमारे फर्स्ट सीन में हमारे सिक्स पैक विलन मोगैम्बो को हमारा हीरो गर्दन पकड़ कर पटक देता है। कट्टू जमीन पर विलन लहू लोहान है, टिल्टप ऊपर देखते हैं डिस्को गाना। लंगड़ा हीरो नाचेगा कैसे? वो डांस डायरेक्टर देखेगा तू क्यों टांग रहा है। कट करके दिखाते हैं हमारा दूसरा विलन जंबो, हीरो पत्थर उठाकर भचाक 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 विलन को मारता है, उसका खून बहता है जैसे चॉकलेट। कट्टू कॉमेडी सीन। लूला पत्थर उठा के कैसे मारेगा? अबे एक हाथ तो है ना उसके पास, लगता है ये फालतू फिल्म नहीं देखता है क्या? अब तीसरा विलन जंबो, जिसे भूतनी घसीट कर लाती है और जमीन पर गिरा देती है और उसकी छाती पर चढ़कर गाती है मुन्नी बदनाम हुई लल्लू तेरी खातिर। कट्टू फाइट। अभी तक कॉमेडी हो रही थी? तुझे समझ में नहीं आया ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है? ये कौन से टाइप की फिल्म है? भूतिया फिल्म ऐसी होती है। कहानी घटिया नहीं होगी तो इंडिया में चलेगी कैसे? और बेवकूफी कब आएगी? यहीं तक सोचा है, बाकी की बेवकूफी रात को सोचूंगा। बेबे जी सर, इस हिट स्टोरी के लिए मुझे लोकेशन बताओ। सर, उस स्टोरी के लिए ये लोकेशन चलेगी क्या? जब स्टोरी नहीं है तो लोकेशन से क्या फर्क पड़ेगा? सूरज रिकॉर्ड करो, फ्रेम के अंदर 10 घंटे पागल कुत्ते जैसे भागते चले जा रहे हैं। ये क्या सूरज, विजुअल साला सच में बदल गया? विजुअल बदला नहीं है, ये असली गुंडे हैं। रामराज, दीवार पर फेंकी गेंद वापस आती ही है। मैंने टूरिस्ट को ठगने वाली एक गैंग को पुलिस से पकड़वाया था, लगता है ये वही है जो मुझसे बदला लेने आ रहे हैं। नो, ये मेरे लिए आ रहे हैं। ये येड़े रॉबर्ट के गुंडे लगते हैं, शक्ल से तो मैं इनको जानता हूँ। नहीं, वो मेरे लिए आ रहे हैं। नो, वो मेरे लिए आ रहे हैं। मैंने कहा ना मेरे लिए आ रहे हैं। मेरी बात क्यों नहीं मानती, वो मेरे लिए आ रहे हैं। अरे यार, झगड़ो, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे, भागो। अरे गलती उन्होंने की है तो भाग हम क्यों रहे हैं? रुके तो मार पड़ेगी। रामराज, तुम मौत से लड़ चुके हो तो इनसे नहीं लड़ सकते? ऐसा नहीं है। तो कैसा है, तुम मरने के लिए पहाड़ से कूदने वाले थे ना, तो उसकी जगह इन पर कूद पड़ो। ये इतने सारे और मैं अकेला? सोचो कि ये गुंडे नहीं है, बबली बदमाश के बॉयफ्रेंड्स हैं। बबली के हर जुर्म को याद करो, याद करो। अपनी बॉडी की सारी ताकत अपने मुक्के में लाओ। एक एक मुक्के से एक एक को बाउंड्री पार करवा दो। रॉबर्ट के गुंडों का नेटवर्क यहाँ तक फैला हुआ है। तो आपको क्या लगता है, वो कोई टपोरी गुंडा है? चमा के राज साहब, मुकुल मैम पिटाई देख रहे हो? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैम। लगता है फिल्म की शूटिंग चल रही है। मुकुल सॉरी मैम। Oh!
मैम क्या पावर दिया आपने? मैंने तुम्हारी पावर इनकी? ये चुबे, बबली के जुल्म के खिलाफ मेरा हाथ नहीं उठा, पर आज मैंने इतने लोगों से निपट लिया है? ये मैम की दी हुई इंस्पिरेशन है, इनके शब्द नहीं मोटिवेशन है, इनकी पावर नहीं प्रोवोकेशन है। मैम मुझे दिल से ऐसा लगता है, अगर आप चाहें ना तो रस्सी बम को एटम बम बना दे, कोयले को सोना बना दे, स्विमिंग पूल में सुनामी पैदा कर दे, चीख को तूफान में बदल दे, लंगड़े से कुंफू करवा दे और गूंगे से लाफ्टर चैलेंज। अगर आप चाहें ना तो रस्सी बम को एटम बम बना दे, कोयले को सोना बना दे। ये क्या दीदी, आप आज बिना अच्छा काम किए खा रही हो, और वो भी बिना किसी का इंतजार किए बेशर्मों की तरह। अब मैंने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है कि अब मैं बिना कुछ किए भी खा सकती हूँ। अच्छा, क्या है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट? अरे एक नहीं कई हैं। मरते हुए पीटर को बिजनेसमैन बना दिया, जेब कतरे जेम्स को मिलान में फेमस कर दिया, और वो भिखारी जैसा दिखने वाला मुकुल है ना उसे राइटर बना दिया, और वो रामराज डरपोक उसने उन गुंडों से लड़ाई में ऐसा करिश्मा दिखाया कि सब डर डर के भाग गए जस्ट बिकॉज ऑफ माई मोटिवेशन। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर इतनी पावर है मुझ में तो मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, मुझे कुछ बड़ा काम करना होगा। शुरू हो गई। अन्ना हजारे टाइप का मूवमेंट क्रिएट करूंगी, सबको बिजली मिलेगी, पेट्रोल के दाम कम होंगे, शराब पर रोक लगेगी। किस किस को रोकोगी? लोग सत्ता में आके अंधे हो जाते हैं, पर तुम्हें तो उसने अंधा कर रखा है। पहले ऊपर चल रहे चिकन पार्टी को तो रोको। क्या बात कर रही हो? रामराज और मुकुल तुम्हें बेवकूफ बनाकर वहाँ पार्टी कर रहे हैं और बैठ के दारू पी रहे हैं। इम्पॉसिबल, मेरे शिष्य ऐसा नहीं कर सकते, दिखाओ मुझे। अगर तुम वो कुंफू की करामत नहीं दिखाते तो हम तो कब्र में बैठ के दारू पी रहे होते। उस पागल मैडम की बेवकूफी ने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। वो उनके लिए नहीं आए थे, मेरे लिए आए थे। बबली ने भेजा था। वो कौन है? अरे राज साहब, आप ही तो हमेशा बबली बदमाश के नाम की माला जपते रहते हैं, कौन है वो? जब दुखी मर्द को देखती हैं तो लड़कियां ज्यादा हमदर्दी जताती हैं, इसीलिए मैंने हवा में से ये कैरेक्टर क्रिएट किया। तुम्हारे अंदर फाइटर डांसर और राइटर भी घुसा हुआ है, क्या बेवकूफ बनाया। मुकुल बोलो, तूने बबली को भुलाने के लिए ये पिलाया ना, तो फिर उसकी याद क्यों आ रही है? पर पर्पस तो यही था। लेकिन पर्पस तो फेल हो गया। तेरे दिल की चोट गहरी होगी इसलिए। अकेले मैं ही नहीं, बबली बदमाश जैसी लड़कियों की वजह से देश के कई लड़कों ने चोट खाई है। अगर मैं गरबा में उससे ना मिला होता और दिवाली तक उसके लिए ना रोया होता तो मेरी लाइफ भी हैप्पी होती। मतलब तेरी लव स्टोरी में गरबे का बहुत बड़ा हाथ है? सिर्फ मेरी लव स्टोरी में नहीं मुकुल, कई लोगों की लव स्टोरी में गरबे का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद लड़का लड़की कॉफी पीने के लिए जाते हैं, फिर लड़की लड़के से सिनेमा दिखाने की जिद करने लगती है, लड़कियां मुझसे हीरो जैसा बिहेव करने कहती हैं और जीने मरने के वादे करती हैं। चाय पत्ती कलर का ये चेहरा किसी एंगल से हीरो जैसा लगता है, फिल्मों ने बर्बाद कर दिया है। एक तरफ तो कुछ कुछ होता है, प्यार किया तो डरना क्या, और दूसरी तरफ है फैमिली ड्रामा, कमी खुशी कभी गम, ऑल अबाउट योर फैमिली। और ये अत्याचार क्या कम था कि सोशल नेटवर्क भी आ गए, ऐसा जाल बिछा है और इस जाल में सारे लड़के फंस गए। ये लड़कियां कभी कोई बुक पढ़े ना पढ़े लेकिन फेसबुक जरूर पढ़ती हैं, लेकिन वहाँ भी लड़कों को उल्लू बनाती है, हद है यार। नाम कनिष्का, फोटो अनुष्का, नाम संगीता, फोटो समांथा। हमारे देश के बर्बादी की असली वजह ये इलेक्शन करप्शन 2G 3G बिल्कुल नहीं है, बस सिंगल जी है, जी फॉर गर्ल्स। ये पब क्लब रेस्टोरेंट रिसॉर्ट्स मॉल्स मल्टीप्लेक्सेस कभी बनकर चल ही नहीं पाते अगर ये लड़कियां अपने बाप को, मुझ जैसे गरीब बॉयफ्रेंड को, अपने बेचारे हस्बैंड को नॉनस्टॉप खर्चा नहीं करवाती। अगर एक दिन, बस एक दिन के लिए इनका ये खर्चा बंद हो जाए ना तो हमारा इंडिया अमेरिका से 30 गुना ज्यादा अमीर हो जाएगा। ये मेरा राज साहब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। एक को छोड़ के। कौन राज साहब? जानकी मैम। हमारी मैम लेडी नहीं है, बॉय है, लेडी बॉय है। जी जी, देवी है, जी फॉर गॉडेस। तूने कभी जानकी मैम को ध्यान से देखा है? मैंने तो मैम का बस चेहरा देखा है, इतनी गहराई में कभी गया ही नहीं। मॉडर्न ड्रेस में वो हीरोइनों को मात दे देती है। सच्ची? और बनारसी साड़ी में तो देवी महालक्ष्मी लगती है। उस देवी के पुजारी होकर हम शराब कैसे पी सकते हैं? जब उन्हें पता चलेगा तो उनका शीशे जैसा दिल टूट नहीं जाएगा। ठीक कहा बॉस, मैम महालक्ष्मी है तो इनकी पिंकी उनकी सखियां, वो तो सदमे से मर जाएंगी। चीची, तेरे कहने पर मैंने फर्स्ट टाइम पी है, मैंने ठान लिया है कि ये मेरा लास्ट टाइम है। महंगी वाली थी। देखो इनकी सच्चाई, बहका दिया। कैरेक्टर से बाहर आओ। मैम की तारीफ करनी थी तो सीधे तारीफ करनी थी, खाम खा दुनिया की सारी लड़कियों को लपेट लिया। अगर लड़की को पटाना हो तो उसकी तारीफ करने के बजाय दूसरों की बुराई करो, उसे ज्यादा अच्छा लगता है, समझ गया ना? हाँ। चल अब दूसरी बोतल निकल। कहाँ से लाऊं, फोड़ दी ना तूने? पागल है तू, सोडा बोतल फोड़ी है, दारू की बोतल नहीं। राज साहब, तुम तो महान आत्मा हो। अरे मुकुल। हाँ बॉस। कल रात वाली बात से गेंद ने उछलना बंद कर दिया होगा ना? जो भी हो, पर वो तुम्हारी झोली में नहीं आएगी। वो क्यों बे? जानकी मैम सामाजिक कार्यों में लगी है, वो तुम्हारी घर गृहस्थी नहीं बसाएगी, उसे दया दिखाने में मजा आता। हैं?
देवी महालक्ष्मी जैसी ना। अरे मेरे दिल की बात आपने कैसे जान ली? आपने कैसे जान ली? मैंने ही तो तुम दोनों को सुधारा है, मैं कैसे नहीं जानूंगी। करेक्ट करेक्ट मैडम, मैं जानता हूँ कि आपको तारीफ से नफरत है, पर आज आप मुझे मत रोकिएगा प्लीज। क्या रामराज, बात घुमाओ मत, बता भी दो। बिना बात घुमाए डिटेल में कहना चाहूंगा कि आज आपके बालों को देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा, है ना? ऐसा हो भी सकता है। ये गर्दन, गर्दन गर्दन क्या भाई? नेक, नेक नेकलेस के लिए होती है। वल्गर मत बन मुकुल, कमर नेशनल हाईवे होती है। ये जरूर सड़क छाप है, तभी इसे सब कुछ सड़क की तरह दिखता है। शट अप, कवि को इस तरह की उपमा देना अलाउड होता है। रामराज, मैम, तुम्हारे अंदर एक कवि है, जो लड़की तुमसे शादी करेगी बहुत लकी होगी। मैं मंदिर गई थी, प्रसाद लाई हूँ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। थैंक्स मैम। बाय मैम। राज साहब, तू मामूली बैट्समैन नहीं है, ऐसी गेंद मारे कि सीधा सिक्सर। डीआईजी बलराम हमारे डिपार्टमेंट के एक सिंसियर अपराइट ऑफिसर थे, जो अनफॉर्चुनेटली माफिया की गोली के शिकार हुए। मिस्टर बलराम की टीम से जुड़े गैंग ऑफिसर मिस्टर आदेश विल शेयर हिज फीलिंग्स विद अस। बलराम सर सबके इंस्पिरेशन थे, हम जैसे यंग ऑफिसर्स के लिए एक आदर्श थे। मेरा मकसद है उस ग्रेट ऑफिसर की जान लेने वाले बादशाह को पकड़ना, और मैं इस मकसद में कामयाब होके रहूंगा। जैसे खाने में मूंगफली, जैसे नाच में कथकली, जैसे जानवरों में छिपकली, और एक्शन में मैं मोहम्मद अली हूँ। मुझसे बच के जाएगा कहाँ? तुझे खोज कर पैर से मसल कर तेरी मसाकली बना दूंगा। One more. क्या हुआ? सूरज मेरा वाला दिखा, I will show you. जैसे खाने में मूंगफली, जैसे नाच में कथकली, जैसे जानवरों में छिपकली, वैसे एक्शन में मैं मोहम्मद अली हूँ। मुझसे बच के जाएगा कहाँ? तुझे खोज कर पैरों में कुचल कर तेरी मसाकली बना दूंगा। That's it, boss. सूरज क्या कहता है प्रोड्यूसर? कह रहे हैं अगली फिल्म में आपको डायरेक्टर कम हीरो बनाएंगे। अरे मजाक मत कर, उससे कहो कि वो पैसे लगाए, मेरे काम में टांग मत अड़ाए। हाँ बताओ, तुम्हें कैसी लगी बेबी? सुपर्ब है सर, माइंड ब्लोइंग। क्यों रामराज? करेक्ट मैम, अगर डायरेक्टर की तरह आर्टिस्ट 10% भी कर लेना तो फिल्म सिल्वर जुबली हो जाए। क्यों मुकुल? हाँ बॉस, डायरेक्टर वो गधा है जो सबका बोझ उठाए। तुम तारीफ कर रहे हो या मजाक उड़ा रहे हो? सर आप कल इंडिया वापस जा रहे हैं? तुम साथ चलो तो आज ही चले जाओ। नहीं सर, हमारा रामराज बहुत अच्छा डांसर है। इस रामराज को सही काम मिले तो ये बड़े बड़ों की छुट्टी कर सकता है। तुम्हारा टैलेंट मैं जानती हूँ रामराज। तू कौन है? इसकी चमची है जो इसकी तरफदारी कर रही है? हाँ रहना सुना। ए, फिल्म इंडस्ट्री में आना सिनेमा हॉल में घुसना जितना आसान है क्या? यहाँ अकलमंद लोग आते हैं। शांति भाई शाह, राकेश घई, राजकिशोर हिरानी, करण बाबू जौहर, जहरीला नाग प्रसाद, ऐसे महान लोग हैं इंडस्ट्री में। तेरे जैसे तू खेरे नहीं। शट अप। ए सूरज, क्या करेगा वो? क्यों है बुड्ढे? कौन है हेरा गेरा? तू है नथू खेरा, सिनेमा पर कलंक है तू, समझता क्या है? राजकिशोर हिरानी कहाँ और तू कहाँ? राजकिशोर हिरानी की किसी एक फिल्म का नाम तो बता। अब तक थी जान। अबे ये फिल्म महेश चोपड़ा की आखिरी फिल्म है। महेश चोपड़ा, महेश चोपड़ा। मैडम मैडम शांत हो जाइए मैडम, आप इमोशनल हो गई। ए ये लड़की है इसलिए छोड़ दिया, वरना काम तमाम कर देता। मेरी वाली वीडियो देखी है ना? एक और मारो। राजकिशोर हिरानी की फिल्म के नाम पे तू महेश चोपड़ा की फिल्म बता रहा है? अब मुझे महेश चोपड़ा की फिल्म का नाम बता। तब तक थी जान, इसी पर तो मारा था तूने। दूसरी फिल्म का नाम बता। वो थी गुंडे ऑफ वसेपुर। गुंडे ऑफ वसेपुर? हाँ, नहीं थी। इस फिल्म का डायरेक्टर है अनिरुद्ध कश्यप। तू तो इंडस्ट्री का विकिपीडिया है गुरु। उससे भी ज्यादा। इससे ज्यादा? अच्छा तो तू मुझे ये बता कि नई जंजीर फिल्म में तेजा का रोल किसने अदा किया है? अजीत साहब ने, और किसने? करेक्ट आंसर देने पे मारता है। तू पुरानी फिल्म की बात बता रहा है, उस फिल्म में विलन अजीत तेजा बना था, लेकिन नई जंजीर में रामचरण तेजा फिल्म का हीरो है। ये कौन है? चिरंजीवी का बेटा। रामचरण तेजा का नाम तो मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। क्या? रामचरण तेजा को नहीं जानता? रामचरण तेजा को नहीं जानता? मैडम मैडम क्या कर रही है? मैडम 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 का मूड खराब कर रही है। चलिए चलते हैं मैडम। सूरज ये सब तो मेरी धोबी की कुत्ते की तरह पिटाई करके चले गए। बिल्कुल आपकी फिल्म की तरह। ये क्या मैम, आप इतना कूल रहती हैं, अचानक क्या हो गया?
उसने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया। वो बेसिकली बुरा है मैम, सबके साथ ऐसा करता है। किसी से भी करे, तुम्हारे साथ नहीं। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। पर क्यों? रामराज मुझे इरिटेट मत करो, मैंने कह दिया ना तुम अलग हो तो हो, खत्म। मेरा मकसद पूरा होने ही वाला है। बादशाह कहाँ है? जब तक वो अपना गोल पा नहीं लेता उसे कोई नहीं रोक सकता। If you don't tell me about बादशाह, I will kill you. तू मुझे मारना चाहता है ना? तू मारना। Kill me! जिस बादशाह के नाम से पूरे अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा था, उसके इस तरह खामोश हो जाने की क्या वजह है, ये जानने के लिए हम मकाओ के रॉयल कैसीनो में चलते हैं। बादशाह का पिता धनराज रॉयल कैसीनो चलाता है। साधु भाई के इनकम का 80% इसी रॉयल कैसीनो से आता है। साउथ ईस्ट एशिया को कब्जे में रखने वाला साधु भाई भी हांगकांग में घुसने की हिम्मत नहीं करता था, जिसकी वजह थी खतरनाक विक्टर और उसका बेटा बेरहम जॉनी। हांगकांग को अपना बेस बनाकर जॉनी इंडिया में ड्रग माफिया और लड़कियों की सप्लाई के काम को अंजाम देता था। अब पहली बार उसकी नजर धनराज के कैसीनो पर थी। अजय दादा, हांगकांग विक्टर का एरिया है, पैसा हिफाजत से बैंक में डालना, और याद रहे विक्टर बहुत खतरनाक है। ओके दादा। स्टॉप, होल्ड, होल्ड। Get down. फंस गए ना धनराज के कुत्तों। उस लॉकर का कोड नंबर क्या है बोलो, मैं तो काट डालूंगा साले। 20 05 1983। बर्थडे नहीं, कोड बता। Hey Johnny, तुझे कैश ले जाने का डेट पता चल जाएगा, वैन का रूट पता चल जाएगा, तिजोरी का कोड पता चल जाएगा, पर तुझे धनराज के शेर बेटे का पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने तेरे इलाके में कदम रख दिया। वो काट कर रख देगा तुम सबको, और उस शेर का नाम है बादशाह। को छूने वाले हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ए, ये हांगकांग है, मेरे बाप विक्टर का एरिया। ये एरिया कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं। तेरे बाप को कि यहाँ का बादशाह मैं हूँ। जंग शुरू बादशाह ने की है और उसे खत्म भी बादशाह ही करेगा।
डायरेक्टर की वाट लग गई, जाने की फट गई दादा। अच्छा मेरा बेटा, अब मुझे सहारा मिल गया है और वो भी समझ गए हैं कि एक शेर आ गया है। फर्स्ट टाइम हांगकांग में विक्टर गैंग को किसी ने धूल चटाई है। ए गौरव, तेरा मुंह क्यों लटका है? कल भाभी का जन्मदिन है और हर साल की तरह इस साल भी उनके नाम की पूजा का इंतजाम एक मंदिर में रखा है, पर वो विक्टर के एरिया में है। इस सिचुएशन में वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। अंकल, एक बार जो तारीख मुकर्रर हुई उसे बदलना बादशाह की आदत नहीं है। लेकिन बादशाह, डरने वाला चूहा डर पैदा करे वो बादशाह। जिसने चौनी भाई को मारा वो अपुन के इलाके में आया है भाई। ओम दक्षिणा इंद्रो वृषभ। गाड़ी तेज चलाओ। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो उसका जन्मदिन शानदार तरीके से मनाना चाहता था पर कर नहीं सका, और अब मेरे पास पैसा है पर वो नहीं है। चल 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 जल्दी चल। किधर है बादशाह? चला गया भाई। क्यों छोड़ दिया? उसको देख के डर गया भाई। हाँ विक्रम बोल। ठीक है, साधु भाई ने पता नहीं क्यों अचानक मीटिंग बुलाई है। वन मोर थिंग बादशाह, तुम्हें भी चलना है। मीटिंग कहाँ है? साधु भाई अपनी मीटिंग की जगह हर बार लास्ट मिनट पर बताते हैं। वी हैव टू वेट फॉर हिज कॉल। साधु भाई, मेरा बेटा बादशाह। कहाँ का बादशाह? मेरे पिता ने कुश्ती के दौरान बादशाह का टाइटल जीता था, तब ये पैदा हुआ था। तब से वो इसके असली नाम की जगह बादशाह बुलाने लगे। धनराज, पिछले 20 सालों से तुम मेरे साथ ईमानदारी से काम कर रहे हो, इसलिए यकीन है तुम पर। झूठ बोल रहे हो। यकीन था तो हमारी तलाशी क्यों ली? ये मेरा कानून है। दैट्स कॉल्ड फियर, डर। विक्टर के एरिया में जो तुमने जॉनी को सबक सिखाया वो ताकत थी, पर यहाँ जो कर रहे हो वो गुरूर है, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। आपके इस मौके में कोई बात छुपी है। इट्स नॉट एन अपॉर्चुनिटी, इट्स योर नेसेसिटी। काम बताओ। एंथनी नाम का एक आदमी मुझे कंटेनर की डिलीवरी देने केनिया से यहाँ आया था। विक्टर ने उसे किडनैप कर लिया। वो मुझे वापस चाहिए क्योंकि वो माल मेरे लिए बहुत कीमती है। कितना? मकाऊ से ज्यादा। देन माय प्राइस इज मकाऊ। मकाओ मेरे अंडर होगा। ए, साधु भाई से सौदेबाजी करता है। बॉयज, ड्रॉप योर गन्स, गो बैक। बादशाह तुम भी। बादशाह छोड़ दो उसे। बादशाह छोड़ दे। बादशाह डील ओके, तुम एंथनी को लेकर आओगे और बदले में मकाओ तुम्हारा। But it's very dangerous. Bacha is more dangerous than danger. Michael, ये सब बच्चे लोग फ्लड विक्टिम्स हैं, बाढ़ से पीड़ित। इनके बारे में कोई भी खोज खबर लेने वाला नहीं है। प्यारे बच्चे हैं,
इन्हें पता भी नहीं है कि हम इनके ऑर्गन्स बेचने वाले हैं। इन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाओ। ठीक है भाई। इन्हें इंडियन एम्बेसी पहुंचाओ। गो। एंथनी कहाँ है? एंथनी? मैं नहीं जानता बादशाह। मैं जानता हूँ कि तू नहीं जानता, क्योंकि एंथनी को मेरे ही आदमियों ने मेरे कहने पर किडनैप किया है। बादशाह, वो हमें जिंदा चाहिए था। मैंने एंथनी को 4 बजे देने का वादा किया था, ठीक 4 बजे। जो तारीख जो वक्त बादशाह मुकर्रर करता है उससे कभी मुकरता नहीं। बादशाह, तुम्हारे पिता को बिना बताए साधु के साथ हम जो खेल खेल रहे हैं वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। अब खतरा बढ़ गया है। अंकल, जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते सिर्फ मंजिल के बारे में सोचेंगे, खतरों के बारे में नहीं। वाह बादशाह, वादे के मुताबिक तुमने मुझे एंथनी सौंप दिया और मैंने तुम्हें मकाऊ दिया दान में। बादशाह दान नहीं लेता, जीत लेता है। मिस्टर बलराम, यस सर, यह इन्फॉर्मेशन मिली है कि हांगकांग का साधु भाई इंडिया के लिए एक RDX से भरा हुआ कंटेनर भेज रहा है। मैंने इन्फॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचा दी है और वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। उसे रोकने के लिए तुम्हारी टीम हांगकांग जाएगी। पर हम वहां क्यों जाएं सर, अपने ही पोर्ट में पकड़ सकते हैं। वो हमारे पोर्ट के बजाय कोई भी समुद्री तट इस्तेमाल करेंगे। इंडिया में 6,000 किलोमीटर तक समुद्री तट फैला है, वो तो कहीं भी सामान उतार सकते हैं। अब तक इंडिया में सारा RDX इसी तरह से पहुंचा है। Got it, sir. मैं अपनी टीम के साथ अभी निकलता हूं। And one more thing. जब तक ये ऑपरेशन पूरा ना हो जाए कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। अपनी टीम को पूरी डिटेल्स मत देना। Yes, sir. साधु भाई, आपने कई सालों तक हांगकांग को पाने की बहुत कोशिश की है। आज मैं आपको हांगकांग सौंपने के लिए आया हूँ। जब बेटा ही नहीं रहा तो अब मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं। मेरी जिंदगी का बस अब एक ही मकसद है, बादशाह की मौत। उसके लिए मदद चाहिए। हमारा ही आदमी है वो। अगर ये बात है तो उसने मकाऊ क्यों लिया? साधु, मकाऊ पाने के लिए बादशाह ने एंथनी को किडनैप करने का ड्रामा किया। चीयर्स। चीयर्स। दादा, याद है ना आज डेविड के बेटे की शादी है। अच्छा डैड, तुम गौरव के साथ शादी में जाओगे? ओके। डेविड अंकल हमारे बहुत पुराने साथी हैं। श्योर डैड। सबकी शादी हो रही है, तुम्हारी कब होगी? अभी इसकी उम्र ही क्या है। अच्छा, ये कोई दूध पीता बच्चा है? भाभी होती ना तो कब की हो चुकी होती। अंकल, मेरी शादी भी हो जाएगी, पहले ये हो जाए। बाय। बादशाह डेविड की शादी अटेंड करने के लिए सेंट पॉल चर्च के लिए निकल चुका है। अच्छा, मकाऊ के मेयर हमारे कैसीनो में आने वाले हैं, तुम उन्हें रिसीव करने जाओगे। मैं और गौरव शादी में जाते हैं। ओके डैड। गौरव, गौरव मेरे भाई। उसने सारी जिंदगी मेरे नाम कर दी, आखिरी सांस तक वो साथ रहा और मेरे लिए ही मर गया। वो विक्टर बचना नहीं चाहिए। विक्टर अकेला नहीं है डैड, इस हमले में साधु भाई का भी हाथ है। साधु भाई मुझे क्यों मारना चाहेगा? उसका असली शिकार आप नहीं, मैं हूं। ले आओ उसे। कॉल साधु। आई सेड कॉल हिम। हेलो भाई, बादशाह बच गया। हमें पता है, ये कोई खुशखबरी नहीं है। बादशाह को मारने के बाद फोन करो। बादशाह खत्म होना ही चाहिए। ओके? साधु भाई को इस पोजीशन में लाने के लिए मैंने 20 साल दिए, अपनी बीवी को भी खो दिया। क्या इसीलिए कि वो मेरे बेटे को मारे?
क्या ऐसे कमीनी के लिए मैं काम करता रहा? अब हमें खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। साधु से हुक्म लेने के बजाय हुकूमत चलाने की हिम्मत दिखानी होगी। बादशाह, तेरे अंकल की मौत के पीछे चाहे विक्टर का हाथ हो, चाहे साधु भाई का हाथ हो, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ के माफिया का बादशाह एक ही होना चाहिए, और वो हो तुम। बादशाह इज वेरी डेंजरस। उसने मेरे बेटे को मारा, साधु भाई के हाथ से मकाऊ छीन लिया। अब वो रुकेगा नहीं। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, सारे एशियन रीजन का बादशाह कहलाए जाने का है उसका एम्बिशन। ही इज अ कॉन्करर। भाई, इतने आदमियों की जरूरत नहीं है। उसके बाप और उसे मौत के घाट उतारने के लिए अकेला मैं ही काफी हूं। दुश्मन को मारने के लिए सोचना नहीं पड़ता, एक्शन लेना पड़ता है। सही कहा बादशाह, आज ही एक्शन होगा और तू मारा जाएगा। दादाजी ने मेरा नाम बादशाह इसलिए नहीं रखा कि मैं इतिहास में खो जाऊं, मैं इतिहास बनाऊंगा। अच्छा, इतिहास बनाऊंगा, नादान है, सुनता तो बच जाता। जो सर बादशाह के आगे झुका बच गया, जो सर उठा समझो कट गया। हेलो बादशाह, विक्टर का खेल खत्म, मैदान साफ हो गया है, अब मैं तेरा शिकार करूंगा। बादशाह, हमें छूना आसान नहीं है। चाहे कोरियंस हो, मलेशियंस हो, इंडोनेशियंस हो, सभी दुश्मनों को खत्म करने के बाद ये सल्तनत खड़ी की है। उसी सल्तनत को जीतने ये बादशाह आ रहा है। योर टाइम इज ओवर, आज से मेरी हुकूमत शुरू। तू बस देखते जा कैसे माफिया के इतिहास से तेरा नाम मिटाता। वो करने की तेरी औकात नहीं है। तुझे बादशाह की औकात उसकी लात खाकर ही पता चलेगी। विक्टर जैसे चूहों को मारकर तू हम जैसे शेर से पंगा लेगा। जंग बादशाह ने शुरू की है और उसे खत्म भी वही करेगा। शेर कौन है और चूहा कौन, ये बताने में वही आ रहा हूँ। टिल देन, टेक अ ब्रेक।
आई नो आप लोग थोड़ा रेस्टलेस फील कर रहे होंगे बट यू डोंट नो अबाउट वायलेंट विक्टर ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बींग भाई बचपन में मैंने तुम्हें बिना बताए बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं। मैं एक न एक दिन तुम्हें ये सब बताना चाहता था पर तुम तो ये बिना जाने ही चले गए अब बताओ मैं किसे बताऊं? डोंट वरी माई सन यू कैन कन्फेस टू मी तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो वो तुम्हारे भाई के पास हेवन में पहुंचेगा फादर जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने इनकी गर्लफ्रेंड कैथरीन को किस किया था चीप चीप कम ऑन माय सन उस उम्र में ऐसी फीलिंग्स नॉर्मल बात होती है तुम बड़े जज्बाती दिखते हो थैंक यू फादर पर कैथरीन ने मुझे झापड़ मार दिया तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कैथरीन का रेप करके उसे मार डाला क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूं ना इतना ही नहीं मेरे भाई का भाई जॉनी उसे लड़की और नशे की लत लगाकर एक बेरहम आदमी बना दिया मैंने बट बैठक मेरी भाभी को यह सब पता लग गया तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं बचा फिर मैंने अपनी भाभी को बेहोश कर दिया और उसे जिंदा जला दिया फायर एक्सीडेंट दिखा दिया और ये गिल्ट लेकर मैं चर्च में गॉड के सामने कन्फेस करने गया और वहाँ गॉड के पहले आप जैसे फादर ने सुन लिया तो मुझे गुस्सा आया और उस फादर के बाल पकड़ कर खींच खींच कर बाहर लाया और उसे पटक के पैर से गर्दन को मसल दिया क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि जिसे भी राज पता चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा हे फादर फादर डोंट वरी ये सब तो मैंने विक्टर भाई के डर से किया था बट नाउ यू आर सेफ क्योंकि मेरा भाई क्योंकि इस दुनिया में मैं जिससे डरता था और प्यार करता था वो सिर्फ एक ही था और वो था विक्टर सिर्फ विक्टर और जिस इंसान ने मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया वो है कमीना बादशाह मैं इस दुनिया में अकेला हूँ तो जीऊं तो किसके लिए जीऊं उस कमीने बादशाह को मारने के लिए जीऊंगा ना एम आई राइट हां एम आई राइट सही कह रहे हो साधु भाई रॉबर्ट बादशाह को तुम्हारा भाई विक्टर भी मारना चाहता था और तुम भी तो अब हमारा कॉमन टारगेट है बादशाह थैंक यू साधु भाई अब आप हमारे सगे भाई की तरह हैं विक्रम हाँ भाई वो कंटेनर जल्द से जल्द इंडिया पहुंचाओ मुझसे इस ऑपरेशन का राज छुपाकर आपने अच्छा नहीं किया मेरे पास और कोई चारा नहीं आदेश मतलब तुम साधु भाई के लिए काम करते हो क्या यू फैंटास्टिक आदेश कंटेनर को बचाकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है एंड नाउ तुम्हें अपने डिपार्टमेंट को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि बादशाह पुलिस को मारकर वो कंटेनर अपने साथ ले गया ओके भाई साधु भाई बादशाह सिर्फ फंसा नहीं है तीर निशाने पर है फिनिश होने के भी चांसेस हैं कैसे सस्पेंस हेलो ये क्या बेटा दो दिन से तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया मैं थोड़ा बिजी था माँ इतना भी क्या बिजी तेरी बहुत याद आती है बेटा ये बता कब आ रहा है बस थोड़ा सा काम और बचा है माँ जल्दी आ जाऊंगा Love you, माँ। Love you, बेटा। अपना ख्याल रखना। Bye। Hello। बादशाह, पापा मेरे पास है बेटा। आजा। Hey, बादशाह। तुम्हारे घर से मैंने तुम्हारे पापा को कैसे किडनैप कर लिया ये सोचकर दिमाग चकरा रहा है ना आई हैव फ्रेंड्स दोस्त क्यों मनी ह्यूज मनी
तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बाप को मारूंगा। ए, बादशाह के पापा को पेश किया जाए। पिंजरे में बंद कर देने से शेर बिल्ली नहीं हो जाता। जब ये शेर पिंजरा तोड़ेगा तो शिकारी खुद शिकार बनेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे डीआईजी मिस्टर बलराम को और कुछ हांगकांग के ऑफिसर के साथ हमारी पूरी टीम को एक लोकल इंडियन माफिया बादशाह ने मार डाला है। पुलिस और इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को संजीदगी से लिया है और मैं यकीन दिलाता हूं कि बादशाह बहुत जल्द ही जेल में होगा। बादशाह, तुम्हें सिर्फ हांगकांग पुलिस नहीं, इंडियन पुलिस भी तलाश कर रही है। बस मेरे पापा का ख्याल रखना। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है और इसका सलूशन मैं ढूंढ निकालूंगा। हमारे ही डिपार्टमेंट का एक एसीपी साधु भाई से मिला हुआ है। I can't believe this। अब तो उसने ये झूठ भी बोल दिया है कि मैंने ही पुलिस वालों को मारा है, जो मेरे खिलाफ सबूत बन गया है। सर, आपने मुझे क्रिमिनल्स की जो लिस्ट दी थी उसमें से ज्यादातर मारे गए हैं। फाइनल टारगेट साधु भाई तक पहुंचने से पहले आदेश ने धोखा दिया और मैं पुलिस की नजरों में क्रिमिनल बन गया हूं। मैं तो यकीन कर सकता हूं, पर डिपार्टमेंट को कैसे यकीन दिलाएंगे? एंड वन मोर थिंग, आदेश के मेरे भांजी से शादी होने जा रही है, अब तो एंगेजमेंट भी हो चुकी है। मेरे जीजा मुंबई के पुलिस कमिश्नर तो हैं, पर हमारी ट्यूनिंग सही नहीं है। मैं उन्हें आदेश के बारे में बताकर यकीन नहीं दिला पाऊंगा, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने डिपार्टमेंट के साथ दगा की है और अब मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। मैं उसे मार दूंगा। नो सर, साधु भाई तक पहुँचने का हमारा एक ही सोर्स है, एसीपी आदेश। उन्होंने आदेश को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, हम उसे साधु भाई के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और आदेश के हाथों आपकी भांजी को भी बचाएंगे। पर कैसे? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है सर। पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए हो। मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू सर। तो आपकी भांजी अभी कहाँ है? मिलान। अपने पर्पस के साथ बादशाह इटली पहुँचा और ना चाहते हुए भी वो जानकी से प्यार करने लगा। दीदी का वेडिंग कार्ड बहुत अच्छा है ना डैडी? अरे कार्ड ही नहीं बेटा, उसके डैडी ने शादी भी बड़ी खूबसूरत प्लान की। डैडी, मम्मी ने फोन किया था, वो यहाँ से झुमके मंगवाना चाहती हैं। तुम्हारी माँ भी अजीब है, उसे इंडिया में झुमके चाहिए इटली से। अपनी सखियों को जलाओ, बस यही काम रह गया है। जानकी बेटा, बस दो ही दिन बचे हैं, अपनी सारी शॉपिंग खत्म कर लो, उसके बाद हम इंडिया लौट जाएंगे। ये क्या दीदी, हम शादी के लिए एक्साइट हो रहे हैं और आप मुंह लटकाए बैठी हो। बेटा, जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो उसकी यही हालत होती है, क्योंकि उसके सभी प्यारे लोग जिंदगी में पीछे छूट जाते हैं। अल्लाह क्यों मचा रहे हो? अल्लाह क्यों ना मचाऊं, वहाँ पर आग लगी हुई है, भाभी की शादी तय हो गई है। जब साइड कैरेक्टर बनकर मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो मेन कैरेक्टर होकर आपकी क्या हालत हो रही होगी? मुझे राचा, कहीं सचमुच सुसाइड करने तो नहीं गए? मैं I'm sorry। जानकी के बिना राम अधूरा है। Love you। Love you too। क्या बकवास है, मंदिर का पुजारी नहीं है मेरा भाई जो तुम्हारी शादी करवाएगा? पुलिस कमिश्नर है, एनकाउंटर कर देगा तुम्हारा। प्यार करने पर वो एनकाउंटर कर देंगे, तो जब उन्हें पता चलेगा कि आप यहाँ पुलिस में नहीं है तो क्या करेंगे? घासलेट डालकर जिंदा जला देगा। तुमने किसी शरीफ लड़के से प्यार क्यों नहीं किया? ये गुंडा मवाली ही मिला तुम्हें? मैं तो भोला था, लेकिन उसके सामने हवा निकल जाएगी तुम्हारी। घर में देखो तो पुलिस, घर के बाहर आजू बाजू पुलिस ही पुलिस। तुम जानते क्या हो, वहाँ दूध वाला हो, भाजी वाला हो, घंटी बजी तो समझो पुलिस आ गई। अंकल, मैंने जानकी का प्यार जीता है तो उन्हें भी मनाना मुश्किल नहीं होगा, ट्रस्ट मी। हाँ अंकल, राम को गेंद मिलते ही गोल कंफर्म, हमारी फ्लाइट्स की टिकट्स भी कंफर्म। क्या बात है, सब कुछ कंफर्म, फिर यहाँ रखा क्या है, चलो इंडिया। 2000 किलो के आरडीएक्स वाला कंटेनर इंडिया पहुंच चुका है। इस महीने की 20 तारीख को मुंबई में कई देशों का सम्मेलन है, बस उसी दिन मुंबई बम के धमाकों से कांपनी चाहिए। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद और बेंगलोर, सारे बड़े शहरों में बम धमाके होने चाहिए।
हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बना देंगे, वहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इंडिया को बाहर से आने वाले पैसे बंद हो जाएंगे, रुपए का भाव तो वैसे ही गिर रहा है, कोई भी उन्हें भीख तक नहीं देगा। भाई ये सब करके हमारा क्या फायदा? हजारों करोड़। जो आतंकवादी गैंग इंडिया में हमारे लिए काम करते हैं उन्हें इत्तला कर दो और तुम भी इंडिया चले जाओ, वहाँ ACP आदेश तुम्हारी हेल्प करेगा। हमारा पहला टारगेट मुंबई। अपनी अपनी जगह ले लो। अरे उठो घंटी बज गई, जल्दी उठो, जिम की घंटी बज गई। अरे उठिए ना, जिम जाने का वक्त हो गया है, इटली नहीं है ये, लेट होने पे भैया बैंड बजा देंगे, उठ भी जाओ। अरे ये घर है या जेल खाना, पुलिस एकेडमी की प्राइवेट ब्रांच खोल दी है, इन सब से बचने के लिए ही तो मैं इटली गया था। जल्दी से तैयार हो जाओ, भैया जिम में आते ही होंगे। टीवी सीरियल में भी एक दिन का गैप होता है, भैया के यहाँ तो कोई गैप नहीं है। सुप्रिया तुम अभी तक बैठी हो, पापा गुस्सा हो जाएंगे। पंडित ने कहा था तुमसे शादी होगी तो मैं दुनिया घूमूंगी, पर ऐसे भागना पड़ेगा पता नहीं था। ओहो, अरे जल्दी उठिए। अरे बाबा लेट होंगे तो मारे जाएंगे, मरोगे तुम। पंडित गोपी कृष्ण शर्मा। जय सर। पंडित राम कृष्ण शर्मा। प्रेजेंट। पंडित राधा कृष्ण शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती निर्मला शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती गायत्री शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती सुप्रिया शर्मा। प्रेजेंट। सर ओके सर। अटेंशन प्लीज, कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर पंडित जय कृष्ण शर्मा IPS BA MA MPhil PhD इज कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया, रात को फ्लाइट लेट हो गई थी इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पर एक्सरसाइज के मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तो ये टोन क्यों है? शूटिंग नहीं है ना? शूटिंग किस बात की? डैडी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए शूटिंग करनी पड़ती है ना, वो है ना? बिल्कुल ठीक कहा बेटी, दरअसल इटली का माफिया पंडितों के डर से छुप गया है। वेरी गुड गोपी शर्मा, तुमने प्रूव कर दिया कि पंडित हर जगह शेर जैसे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा वहाँ इटालियन पुलिस फंक्शन कैसे करती है? फंक्शन तो होते ही रहते हैं। क्या लगता है मेरा फंक्शन बंद होने वाला है? वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ, पर अभी तक प्रेम नहीं आया ना। नहीं आया? प्रेम प्रताप सिंह। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। ये टाइम तो जिम का है, तुम क्या कर रहे थे? घर में हमेशा AC चलता रहता है ना, तो ताजी हवा के लिए पार्क में गया था। कितने राउंड लगाए? वहाँ दौड़ने नहीं गया था भाई, नाश्ता करने गया था। वहाँ जानते हैं कौन मिला? जब जलेबी ली तो अमित जी मिले, जब कचौड़ी ली तो अभिषेक जी, और जब मिल्कशेक लिया तो उनकी बेबी। क्या बात है प्रेम, तुम तो 3 जनरेशन से मिल लिए हो, अब आगे मत बताना। इतना झूठ मत बोलो, अमिताभ बच्चन किसी प्रोग्राम के लिए अमेरिका गए हैं। अभिषेक बच्चन तो शूटिंग के लिए यूरोप गए हैं। और आराध्या अपनी माँ के साथ कांस गई है। मतलब सब जया जी को अकेला छोड़ गए, घर में चोर घुस आए तो? तुम उनके घर की चिंता मत करो, अपनी बताओ वजन कितना है? 62। ये तो होना चाहिए पापा, असली वजन कितना है वो बताइए। 102। कोलेस्ट्रॉल कितना है? वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रेम प्रताप सिंह, सिर्फ गर्दन झुका कर बताओ कि तुम्हारे पैंट की जिप कहाँ तक खुली है। मुश्किल है भैया, नहीं देख सकता। कितने दिनों से? ज्यादा नहीं, 10 सालों से। शट अप, हमारा होने वाला दामाद तुम्हारी ही शिकायतें करता रहता है, उसकी पूरी टीम में तुम ही फालतू आदमी हो, शर्म करो, सब तुम्हारी बुराई करते हैं। कैसे इंसान हो तुम, कोई फीलिंग नहीं है तुम में? आई एम फीलिंग हंग्री। व्हाट? मेरा दूसरा ब्रेकफास्ट खा लूं? और कोई काम नहीं है क्या खाने के अलावा? पुलिस ऑफिसर तन के रहता है एक भरी हुई बंदूक की तरह, तुम भरी हुई बोरी, भरी हुई ट्रक की तरह। मैं नॉर्मल हूँ। शट अप, गलती भी करते हो और गुस्सा भी करते हो, यूजलेस फेलो, शेमलेस फेलो, होपलेस फेलो, हार्टलेस फेलो, कचरे का डिब्बा। माँ। भैया। मर गया तुम्हारा भैया, ऐसे ढीले आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? ये तुम्हारा पति कहीं वॉचमैन की नौकरी नहीं कर सकता, उसे मैंने पुलिस में डाल दिया, पूरा डिपार्टमेंट गालियां दे रहा है। पुलिस की नौकरी के लायक नहीं है ये, 10 मीटर दौड़ कर धुआं निकल जाता है इसका, वो तो मेरे इन्फ्लुएंस से नौकरी मिल गई इसे। अब जरा मुंह तो देखो इसका, बंदर की तरह लटका हुआ है, पूरी बॉडी में झूठ भरा हुआ है, भूख मरा, हरामखोर, मोटा कहीं का, चटोरा, आलसी, गधा कहीं का, ये नहीं सुधरने वाला, ले जाओ इसको मेरे सामने से। लोग गोली से मरते हैं, मैं गाली से मर जाऊंगा। प्रेम प्रताप सिंह, जितना झूठ बोला है उसे पसीने से धो डालो, बंटी साथ रहेगा, बाहर जाकर नॉनस्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर लगाओ। गिरी सर, काउंट करना। यस सर। नॉनस्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर? मैं कोई मुंबई पूना बस हूँ क्या? मत मारी गई थी मेरी जो तुझसे शादी करके इस घर का दामाद बना। करेक्ट है बॉस, अगर हमारे दामाद नहीं होते तो कहीं भीख मांग रहे होते।
इस तरह घूरने से अच्छा है परिवार के नियम को मान क्यों नहीं लेते? तो क्या तुम्हारी फैमिली राजाओं के नियमों को मानती है? सरनेम क्या है? शर्मा। इसका मतलब कि तुम लोग शर्माते हुए खानदान के हो, सबके सब भीगी बिल्ली हो। आखिर वो मेरी हाइट और मेरा वेट क्यों पूछ रहा है? मुझे सर पे उठा के नाचेगा क्या? इसकी वाट लगा दूंगा। ओ जी, मेरे भाई को गाली क्यों दे रहे हो? ओहो, मैंने दी तो नाराज हो गई, जब उसने दी तो मैंने रोका तो था। रोका? गाली कंप्लीट होने के बाद ये उल्लू का पट्टा बाप की इज्जत उतरते हुए देखकर हंस रहा था। वो तो सांड की तरह सींग घुसेड़ कर चला गया। मैं जानता हूँ तू चाहती है कि मेरी हमेशा सबके सामने बेइज्जती हो। मैं पति हूँ या गधा? प्रताप सिंह, बड़े भैया, चक्कर लगाने की जगह पंचायत हो रही है। वो क्या है बड़े भैया, पुलिस वाला कैसा होना चाहिए ये सबको बता रहा था। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, पहले एक अच्छा ऑफिसर बन के दिखाओ। What nonsense is this? पूरे डिपार्टमेंट के सामने जब इतनी गलतियों के साथ ये शादी का कार्ड जाएगा तो क्या सोचेंगे सब लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग और कितनी मिस्टेक करोगे। इतना सन्नाटा क्यों है? शादी के कार्ड को लेकर। क्यों, ठीक नहीं है? कार्ड तो अच्छा है। मामा पूछ रहे थे किसने छपाया। तुमने बताया नहीं? ये नहीं बताएगा। अब मैंने ही प्रिंटिंग का जिम्मा लिया था बड़े भैया। अच्छा, तो ये कारस्तानी तुम्हारी है? हाँ बड़े भैया, शब्द कलर कॉन्सेप्ट जोड़ना हटाना सब मेरा है। मेरे नाम के आगे लगने वाला डॉक्टर कहाँ है इसमें? और डेजिग्नेशन भी मिसिंग है। मैंने हटवाया है बड़े भैया, डॉक्टर जय कृष्ण शर्मा, IPS BA MA FFFFFF, सेक्स स्पेशलिस्ट की जगह सिंपल सा जय कृष्ण शर्मा। होमली लगता है इसलिए बाकी कचरा मैंने हटा दिया। तुम कौन होते हो उसे हटाने वाले? मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना अपने खाने पीने की परवाह किए साइकिल पर दूध बेच बेच कर पढ़ाया लिखाया है मुझे। तुम क्या समझोगे? दूसरों के सहारे पर जीने वाले काम के नकाज के थाईमन अनाज के हरामखोर कामचोर हो तुम। भैया। क्या भैया? भैया, दिल पर पत्थर रख के इस इंटरमीडिएट फेल इडियट को यहाँ लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिसे डिग्री की स्पेलिंग तक नहीं आती वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। बताने किस दिन ये मेरे पाले पड़ा था? मेरी तो किस्मत खराब है जो इस तरह का नाला मेरी जिंदगी में आ गया। पुरानी कपड़े छुटे ऐसे शर्म नहीं आती, हराम खो रही। ये तो प्यून की नौकरी करने के लायक नहीं है, प्यून की नौकरी भी। हट। चलो सर। देखा तुमने, कार्ड में से इनकी डिग्री गायब होने भर से वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बना दी इन्होंने। क्या वो इस तरह के आदमी को मना पाएगा? क्या तुम्हें उम्मीद है? वो जरूर बदल पाएगा, मुझे रामराज पर पूरा यकीन है। आई एम गौतम, पिनाकी गोल्ड कंपनी का न्यूली अपॉइंटेड मार्केटिंग हेड। हमारी कंपनी एनुअल डे सेलिब्रेशन जहां 3 साल से मना रही थी, अब वो रिजॉर्ट यूज नहीं करेंगे। फॉर अ चेंज इस बार प्रगति रिजॉर्ट मेरे एम्प्लॉयज के लिए फिक्स कर दीजिए। अरे फॉर अ चेंज, मैंने तो फिक्स भी कर दिया। तुम मेरे चेंज को चेंज कैसे कर सकते हो? ये मेरे एम्प्लॉयज की भावनाओं की बात है, प्रगति रिजॉर्ट ही होना चाहिए। अरे वही तो है, हमने उसे बुक भी कर दिया। तो उसे कैंसिल कर दो। क्यों, कमीशन जाने का डर है? अरे तुम तो बड़े अजीब आदमी हो, वही रिजॉर्ट तो बुक किया है फिर चिल्ला क्यों रहे हो? ये हुई ना मर्दों वाली बात, अगर पहले बता दिया होता तो मैं इतना चिल्ला क्यों रहा होता। बॉस लगता है ये ऊंचा सुनता है। अरे सुनता ही नहीं है। अपनी बहस बंद करो और पेमेंट बताओ जल्दी। लास्ट ईयर 4 लाख में कर दिए थे, इस साल दीदी ने 5 लाख का अमाउंट फिक्स किया। क्या 10 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो इतना ही दूंगा। इनके डिफेक्ट का हम फायदा उठा लेते हैं। आपस में क्या बात कर रहे हो, मुझे भी कुछ बताओ ना। हाँ ओके ओके, ये 8 लाख हमारे लिए ठीक है। ओके इडियट। नमस्ते मैडम। सुनिए, मेरी पेमेंट है 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। हाँ, आपने जिस ईमानदारी से डिस्काउंट दिया है उसे देख कर तो मैं रो ही दूंगा। इवनिंग में एडवांस भिजवाता हूँ, चलता हूँ फिर। जी ठीक है। तुम नहीं बदलोगी। लोग कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को जितना हो सके निचोड़ लें और तुम हो कि नुकसान उठाती रहती हो। हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट कहा माँ। अरे बिना बताए तू अचानक कैसे चला आया? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। और ये कौन है बेटा? मेरा फ्रेंड है माँ, हमारे साथ ही रहेगा। पहले फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नया बिजनेस, किस चीज का? वेडिंग प्लानिंग। वैसे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे माँ, इवेंट मैनेजमेंट कैसे हैंडल करती हैं? इसमें क्या है, ओकेशन के हिसाब से डेकोरेशन, टेस्ट के हिसाब से डिनर, एंटरटेनमेंट के लिए नाच गाना है। अगर ये सब एक जगह मिला के इवेंट करे तो वो है वेडिंग। हाँ, पार्टी की जगह शादी में बहुत पैसा है आंटी। ऐसा क्या? पर यकीन करके शादी का कॉन्ट्रैक्ट कौन देगा? कॉन्ट्रैक्ट कमिश्नर देगा। कमिश्नर साहब, आप हर फंक्शन के लिए हमारी दुकान से गहना खरीदते हैं, इसी विश्वास से बोल रहा हूँ आपकी शादी के लिए ये वेडिंग प्लानर करेक्ट है। ओके सेठ जी, अगर आप रेकमेंड कर रहे हैं तो उसे अपने तरीके से देख लेता हूँ। कहाँ है? लीजिए ये आ गए। नमस्ते सेठ जी, बैठिए। किससे मिलना है? मुझसे मिलने बुलाया है, मेरा नाम सुरेंद्र है, कमिश्नर साहब का पीए हूँ मैं। अच्छा, कमिश्नर साहब लड़की की शादी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और इस काम को मैं हैंडल कर रहा हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं। वो कमिश्नर थोड़ा सनकी है और उसका परिवार पागलों से भरा पड़ा है, उन्हें लूटोगे तुम और मदद मैं करूंगा। और वो कैसे? शादी का हॉल 10 लाख रुपए का है, 20 लाख कोट करोगे तो प्रॉफिट में तुम्हारा 50, मेरा 50। खाने की प्लेट 2000 रुपए की है, 4 बताओगे तो तुम्हारा 50, मेरा 50। फ्लावर डेकोरेशन 5 लाख का है, 10 बताओगे तुम्हारा 50, मेरा 50। लेडीज संगीत में कोई बार डांसर नाचेगी,
10 लाख देंगे 25 बताएंगे, तुम्हारा 50 मेरा 50, क्या कहते हो? चप्पल उतार के मारूंगा। खड़े हो जा। कमिश्नर से भी कमीशन लेगा, कैसा अजीब क्रिमिनल है तू? येड़े, शादी किसे कहते हैं ये पता है तुझे? शादी की खुशियां सीढ़ी पर नहीं दिल में छपती हैं। मंडप का मतलब है देवता का मंदिर, समझा? और शादी का खाना इतना अच्छा क्यों होता है ये पता है तुझे? ताकि लोग मन से खाएं और वर वधु को आशीर्वाद दें। और कमीने, तू इसमें भी कमीशन लेगा? मैं तुझे गालियां दे रहा हूँ और तू हंसे जा रहा है? क्यों बे, संगीत में बार डांसर को नचाएगा तू? अबे ये शादी है या मुंबई का कोई डांस बार? ओ सेठ जी, कमिश्नर को फोन लगाइए, इस कमीने की रिपोर्ट करता हूँ मैं। इसकी जरूरत नहीं, यही कमिश्नर है। आप कमिश्नर हैं सर? सॉरी सर, सॉरी सर, गलती हो गई। गलती नहीं की तुमने, इंसान अच्छे हो, मुझे खुशी हुई। हीरालाल जी, आपका रिकमेंडेशन अच्छा है, आई अप्रिशिएट यू। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इसे ही दे दो। थैंक यू सर। और सुनो, मैं कमिश्नर हूँ इसलिए डरना नहीं, सर्विस अच्छे से करोगे तो नाम कमाओगे। करूंगा सर। बाकी की डिटेल्स सेठ जी बता देंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलता हूँ। फिर आइएगा। धन्यवाद सेठ जी। देखो राम, तुम और तुम्हारी माँ पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने रिस्क लिया है। शादी में कुछ गड़बड़ ना हो। ये शादी होने ही नहीं देंगे। मेरा मतलब मामूली शादी नहीं करवाएंगे, बहुत जबरदस्त होगी। आइए भाई साहब, आइए आइए। बहुत बहुत मुबारक हो समधी जी, आपके घर शादी की खुशी। बेटा, ये किसकी करतूत है? ये सारा खेल तमाशा इसी लड़के का है, नाम है रामराज, वेडिंग प्लानर। नमस्ते चाचा। शादी में अभी 10 दिन बाकी हैं, अभी से हड़कंप मचा दिया। अरे कमिश्नर के घर शादी है, A1 होनी चाहिए। वैसे आपने अभी देखा क्या है, पिटारा तो आगे खुलेगा। अरे यही दूल्हा है क्या? जबरदस्त है भाई। अरे अंदर सिक्स पैक छिपा के रखा है चाचा, पता नहीं और क्या क्या छिपाया होगा। अरे गुस्सा क्यों होते हो यार, ये तो मजाक था, शादी में मजाक चलता है क्यों चाचा? करेक्ट करेक्ट, अंदर चलकर बात करते हैं। इस सडन मीटिंग की सिचुएशन ये है कि मेरे गुरु श्री संपूर्ण आनंद स्वामी जी ने दूल्हे राजा की कुंडली में मेजर डिफेक्ट डिटेक्ट किया है। बॉडी के डिफेक्ट के लिए मेडिसिन होती है, कुंडली के डिफेक्ट के लिए क्या करूं? समाधान है वाटर। जनरल वाटर या मिनरल वाटर? मूर्ख बालक, जनरल मिनरल नहीं, ईश्वर ने अर्थ पर कई पवित्र रिवर्स भेजी हैं जिनका वाटर इस कलश में कलेक्टेड है। वधु नॉर्थ में खड़ी होगी और वर साउथ में खड़ा होगा, और हम सब ईस्ट में खड़े होकर ढोल बजाएंगे क्या? नो, तुलसी की लीफ इस पवित्र वाटर में डालकर अभिषेक करेंगे। अब ये तुलसी की पत्ती मैं कहाँ से लाऊंगा भाई? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है चाचा, मार्केट से खरीद लीजिए, लोगों के घर में भी मिल जाएगी, क्यों पंडित जी? एग्जैक्टली, तो शीघ्रातिशीघ्र वधु को कॉल कीजिए। बेटा जानकी। शुक्लाम वरम धरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये। कलश इनके हैंड में दे दीजिए, याद रहे होम पहुंचने से पहले ये कलश ना तो छलके और ना गिरे। गिर गया तो? तो इनका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। अरे तू मूर्ख है पंडित। क्यों? ज्यादा उपदेश मत दे, ये कोई बच्चा है जो गिरा देगा? जब गुरुजी ने मुहूर्त निकाला है तो इसका नाम कौन होगा? अरे सची तो है, ऑलरेडी चाचा की जान निकल गई है, गुस्से से देखेंगे तो कंप्लीट खत्म। इन्होंने पंडित जी की बात दिल पे ले ली ना। ये सही कह रहा है भैया, मैंने गलती से अपना हाथ है। इस शादी में कस्टमर की तरह मैं आपसे बिजनेस करने नहीं आई हूँ, ये फंक्शन भी मेरा अपना ही है। सारी जिम्मेदारियाँ मेरे बेटे पर छोड़कर आप शादी का मजा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। शादी में काम करने वाले इनके स्टाफ के रहने के लिए पास ही में एक घर दे दिया है। और ये है मेरी जानकी, इसी की शादी है, राम की माँ है ये। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, हमेशा खुश रहो। अरे राम, तू कब ऐसी सुंदर बहू घर लेकर आएगा? माँ अगर आपको ये पसंद है तो इसी को घर ले चलते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, शादी में मजाक चलते रहता है। तुम्हारा गेम प्लान देख के तो यकीन हो गया कि काम बन जाएगा, पर शुरुआत करने के लिए गेंद तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। जैसे ही मैदान में पहुँचेंगे गेंद मेरे हाथ में आ जाएगी। अरे वो सब हो जाएगा। अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अरे ये क्या हो रहा है भांजे, तुम तो दुल्हन के साथ ही। अरे मामा पैनिक मत हो, हम यहाँ शादी कराने नहीं, शादी रोकने आए हैं। क्या कह रहे हो भांजे? समझिए ना, शादी को तोड़कर जानकी को बहू बनाकर घर ले जाएंगे। किसे कहाँ ले जाएंगे? वो क्या की
ले जाने का मतलब है कि शादी में दुल्हन को मंडप में कैसे ले जाएंगे। अरे ये नौटंकी छोड़ और हो रखी मत कर। ये क्या रामराज, इंडिया आके तुम हमारे घर पे भी घुसे और जो दिमाग के सनकी हैं उन्हें भी टोपी पहनाकर शादी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। तुम्हारे प्लान के बारे में ये भी जानते हैं? हाँ जानते हैं, ये हमारी पार्टी में है। कैसी पार्टी? संगीत पार्टी। संगीत पार्टी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकती हो। इसके लिए इतना डिस्कशन क्यों अंकल, ये प्लान के बारे में तो सब लोग जानते हैं। ये भी जानती है? सब जानती है, ये भी हमारी पार्टी में है। ओह वेरी गुड। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आइए आइए, आप तो सब जानती हैं, वही प्लान हम डिस्कस कर रहे थे। बताना हम इनकी बेटी को कैसे ले जाएंगे। मेरी बेटी को कहाँ लेकर जाने की बात हो रही है? घबराइए मत आंटी, हम तो दुल्हन को सजाकर मैरिज हॉल तक कैसे ले जाएंगे उसकी बात कर रहे थे। ये नहीं जानती क्या? क्या जानना है? हम शादी में कैसे जाएंगे वो जानना है। मामा जी, हमने इसी के तो पैसे लिए हैं और आप इन्हीं से पूछ रहे हैं, आपको तो और कितने सारे काम होंगे, है ना? बिल्कुल सही कहा बेटा। जानकी हाँ? बनारस से साड़ियाँ आ गई हैं, चलो मैं अभी आया। मामा जी आज आपके मुंह खोलने से मेरी पोल खुल जाती। पहेलियाँ मत पूछो, नेताओं की तरह समझ में नहीं आता कि कौन किसकी पार्टी में है। कोई लिस्ट है, मैं याद कर लूँ? हाँ तो राज साहब, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारे नेक्स्ट स्टेप में शिकार करने के लिए एक बकरा चाहिए। बकरा चाहिए? यस सर, प्लान के मुताबिक मैं घर में घुस गया हूँ। शादी को रोकने के लिए और आदेश को ट्रैप करने के लिए मुझे एक बकरा चाहिए। समझ गया, पर कौन होगा ये बकरा? तुम आदमी हो या बकरा? तुमसे करीम को पकड़ने के लिए कहा था और तुम उसके लड़के को पकड़ कर ले आए। वो तो अंडरग्राउंड हो गया है, उसको बाहर निकालने के लिए उसके बच्चे को बकरा बनाया। पर किस चार्ज में? सेकंड क्लास के बच्चे पर हम क्या मर्डर केस चलाएंगे? नालायक हो तुम। भैया क्या? भैया भैया, खाना तो ये आदमी ठूस ठूस के खाता है और दिमाग में भूसा पहुंचता है। चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। छी छी, इसको खाना नहीं भूसा चाहिए। ऐसे आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? दिमाग ही नहीं है इसको। ढोलक है, नगाड़ा है, तबला है, इसको तो हर समय बजाते रहना चाहिए। भांजी कहीं आत्महत्या न कर ले। अरे उल्लू के पट्टे, मैं आदमी हूँ इसलिए अंगूर का रस सड़ा के पीता हूँ। तू राक्षस है जो रोज मेरा सड़ा हुआ खून पीता है, डेली मुझे भजिए की तरह तल के खाता है। अगर भगवान है तो मेरा भी दिन आएगा, खटमल बन के तेरे बिस्तर में घुसूंगा, तेरा खून चूसूंगा। यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। मामा जी हुँ? इस बकरे के ड्रीम प्रोजेक्ट को हम टेक ओवर करते हैं। फॉलो मी। ये क्यों लेकर आए? शादी होने तक इसे लाने से मना किया था ना, फिर भी ले आए। मैंने सोचा, अरे क्या सोचा, अगर कोई देख लेगा तो मुसीबत होगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? जादू टोना कर रहे हो क्या? ये लाइटिंग क्यों है और ये कुर्सी? हाथ जोड़ता हूँ, चिल्लाइए मत। ये कुर्सी नहीं है, ड्रीम मशीन। वॉशिंग मशीन सुना था, टाइम मशीन सुना था, ड्रीम मशीन क्या है? अरे सपनों को सच करने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, वही है ये ड्रीम मशीन। वो क्या है ना चाचा, हर आदमी की लाइफ में एक विलन जरूर होता है जो हमें बहुत तंग करता है और हम बस उसे झेलते हैं और इसी सप्रेशन से डिप्रेशन हो जाता है और उसी वजह से टेंशन होता है, थॉट्स में इरिटेशन होती है, पेट में वाइब्रेशन होती है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, माइंड स्टक हो जाता है और आदमी का खेल खत्म। उसके बाद क्या, बॉडी को उठा के गटर में फेंक दो, क्यों भाई? हाँ सही है। इसीलिए जब ज्यादा लोग मरने लगे तो अमेरिका ने खोज शुरू की और ये मशीन बन गई। अरे उसके इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए उन्होंने इंग्लिश में फिल्म भी बनाई थी। हिंदी वर्जन का क्या नाम था? इंद्रजाल था। हाँ करेक्ट, उसी आइडिया को चाइनीज लोगों ने कॉपी किया और ये मशीन बनाई। मेरे चाइना में किए इवेंट मैनेजमेंट से खुश होकर ये प्रेजेंट दे दी। इस मशीन के जरिए जो लोग हम पर रियल लाइफ में टॉर्चर करते हैं ना, सपनों में उनका बैंड बजाकर हमें सुकून मिलता है। इससे बॉडी फिट होती है और लाइफ खुश रहती है। समझ गए ना? बात समझ में आ गई। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुर्सी पर बैठकर सपनों में जाना चाहता हूं। अब जाकर क्या करेंगे? हर आदमी की दुख भरी कहानी है, साले साहब इतना डांटते हैं कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। अरे रे रे, आपकी हालत बहुत खराब है, इसलिए मुझे भी अपने क्लब में जोड़ लो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? जब आप सपने में घुसते हैं तो रियल लाइफ कैरेक्टर भी वहाँ आते हैं। आप उनसे मत बताइए कि आप सपने में हैं। बताया तो? सपने में ही टपक जाएंगे। इसीलिए अगर सपने की कोई भी बात बतानी है तो क्लब के मेंबर्स को बताइए। एक और जरूरी बात, सपने में बिताए 10 मिनट असली जिंदगी के 10 दिनों के बराबर है। अगर मैं वापस आना चाहूँ तो आँख बंद करके बस गाना गाना है, ले 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 प्यार ले प्यार ले। वापस आ जाएंगे। मुझे मंजूर है, मंजूर है, मुझे भी सपनों की दुनिया में ले चलो प्लीज। ओके चाचा, सपने में सबको गालियां देना। ऑल द बेस्ट, सेफ जर्नी। क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट,
कॉन्सेंट्रेट, रिलैक्स, रिलैक्स। ओजी सुनो, जिम की घंटी बज गई। हे भगवान, रात भर दारू पिएगा, दिन भर भैया की गाली खाएगा। ये शर्म पता नहीं कब इसे अकल आएगी। ये जिम जा रही है, ये उसी की घंटी है क्या? हर चीज तो पहले जैसी है, पर रामराज ने कहा था कि ये सपना है। मिस्टर प्रेम प्रताप सिंह सिंह स्वागतम सुस्वागतम। आप तो चौधरी जस्टिस चौधरी। अरे राम, तुम हो, तुम तो हितेंद्र जैसी एक्टिंग कर रहे हो। अभी तुमने देखा ही क्या है, मैं तो उनसे भी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। आगे और आगे, उससे भी आगे देखो तो समझोगे। वो तो ठीक है, पर ये सब क्या है? रंगीन सपना। आप इस वक्त सपना देख रहे हैं, ये आपका टेक्निकलर सपना है और हम आपसे मिलने आए हैं। ये क्या है? अगर ये सपना है तो यहाँ भी मेरा साला कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहा है? पागल हो तुम, इस सपने में क्यों आए हो? ताकि रियल लाइफ में लोगों से बदला ले सके, यही ना? और इसका विलन पता है? इसका साला जयकृष्ण शर्मा। वो तुम्हें चुनौती दे रहा है, क्या करोगे बताओ? काका समझ गया, मैं इसका जरूर बदला लूंगा, यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम है, ड्रीम प्रोजेक्ट। तो नेक काम में देरी किस लिए? विजयी भवा। चिल्ला मत बे। इसकी और इसकी डिसिप्लिन की तो। प्रेम प्रताप, तुम्हें भागते हुए आना चाहिए, हीरो की तरह चले आ रहे हो, ये टाइम देखो। गला फाड़ के चिल्ला मत, घड़ी उतार के फेंक दे, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। प्रेम प्रताप सिंह। जय कृष्ण शर्मा। तुम्हारा लैंग्वेज देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, बदल गया, तेरी वजह से बदल गया। भूख लगने पर किचन और प्यास लगने पर बाहर की ओर देखने वाला इंसान था मैं। इस घर में तरसाया है तूने, खाने के लिए, दारू के लिए, आंखों की नींद हराम कर दी है मेरी। मेरी आंखें जल रही हैं, अगर किसी ने रोका तो मैं जला के राख कर दूंगा। सुन बे साले, तू दादागिरी कर या लड़ाई कर, गुंडे लेकर आ या तोप लेकर आ, अकेले आ या पूरी पलटन लेकर आ, इस प्रेम प्रताप सिंह को छुआ भी ना तो पीस दूंगा चटनी की तरह। अकल नहीं है क्या भैया के साथ? ऊंची मेरी बहन को मारा, तुझे भी मारूंगा, तुझे मारूंगा, भी मारूंगा, घूमते रहना, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे। मेरी पोजीशन देख, अपनी देख। सपने में भी कोई लड़ता है चाचा? मैं सपने में इसी के लिए तो आया था। अरे आप तो सीधे क्लाइमैक्स पर पहुंच गए, शो तो एंजॉय कीजिए, जाइए जाकर पीजिए। मैं दिन में कहाँ पीता हूँ? अरे सपने में दिन रात नहीं होता। अरे हाँ सुन बे साले, उसकी हिम्मत देखी, कुत्ते जैसी हरकत की है उसने। मुझे भी उनसे डर लग रहा है भैया। डरने की कोई बात नहीं है। उसने अचानक ऐसी बेहुदा हरकत की और तुम कहते हो डरने की बात ही नहीं है? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे पेशेंट को मैं फेस कर चुका हूँ, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या? अगर ऐसा डोमिनेशन रहा तो सप्रेशन की वजह से डिप्रेशन होगा और फिर कमोशन से रेवोल्यूशन तैयार हो जाएगा। हफ्ते भर तक बिना ध्यान दिए इन्हें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएंगे। अगर ना छोड़े तो आपकी खैर नहीं, पागल होकर गला काट लेंगे। ऐसी खतरनाक बीमारी कैसे लग गई उसे? डोमिनेशन सर, अगर किसी को हमेशा डांटते रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना। हाँ भैया, आपके डोमिनेशन में मैं भी सप्रेशन में रहता हूँ। हाँ सही कहा जी, मैं भी हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ। हाँ भैया, मुझे भी थोड़ा कमोशन फील होता है। मुझे भी रेवोल्यूशन करने की इच्छा होती है। हाँ डैडी, आप सुबह सुबह ही हमें गेंद बनाकर हमसे खेलने लगते। बंद करो अपना ये गेंद का खेल, मैं समझ गया हूँ कि मेरी डिसिप्लिन को तुम लोग डोमिनेशन मानकर डर गए हो। अच्छा ठीक है, आज से जानकी की शादी होने तक आप लोग जैसे रहना चाहें वैसे रह सकते हैं। उसके बाद मीटिंग बुलाकर रूल्स को कुछ आसान बना लेंगे।
अगर कुछ दिन और ऐसा चलता तो सब पागल हो गए होते। जरा सुनो रामराज, शादी होने तक प्रेम प्रताप को तुम जरा संभाल लो। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू राम। अरे वाह 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 वाह, क्या डायलॉग मारा है। यकीन मानिए आपके साले की पैंट गीली हो गई होगी। क्यों रे? ये बताओ राम, मेरी जागने के बाद वो सब भूल जाएगा ना, वरना गोली मार देगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप चाचा, दिमाग खराब हो गया आपका? आपका सपना उन्हें कैसे याद रहेगा? नया है, कंफ्यूज हो गया। करेक्ट राम, मेरी पर्सनल लाइफ तो तुम्हारी वजह से बन गई। और प्रोफेशनल लाइफ का क्या? उसका क्या बताओ, परेशान हूँ। घर में बड़े भैया भौंकते हैं, ऑफिस में आदेश काटता है। अरे आदेश से मुझे याद आ गया, आपके साले ने आदेश की फैमिली को कल नाश्ते में बुलाया है। राम, ये डिसीजन साला कैसे ले सकता है? ये सपना मेरा है। लेकिन ये डिसीजन लेने वाले वो नहीं है। फिर कौन है? सोता हुआ प्रेम प्रताप सिंह, ये उसका थॉट है जो ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब समझा मैं, जैसे मैंने साले साहब की क्लास ली थी वैसे ही आदेश की भी बैंड बजाऊंगा। ये सिचुएशन इसीलिए क्रिएट की गई है। निशाने पे तीर मारा है काका। इसीलिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल, साइकोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल लाइफ में हर जगह नंबर वन हो जाएंगे। आप अपने सपने के बादशाह बन जाएंगे। यही उस प्रेम प्रताप की ख्वाहिश थी। यस आई एम बादशाह, वही जंग शुरू करता है और खत्म भी। भाई साहब, ये खाना कोई मामूली खाना नहीं है, ये तो 5 स्टार से भी बढ़िया खाना है। ये खाएगा तो मेरे जैसा हो जाएगा। पानी की बोतल में साहिब दारू भरता है, फिर ना कहना साला दारू पी के दंगा करता है। प्रेम प्रताप? क्या प्रेम प्रताप, क्या है रे, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अरे भाई साहब, इन्होंने तो सुबह सुबह शुरू कर दी। ऐसा नहीं है समधी जी, ये शादी होने तक मस्ती करने के लिए मैंने ही परमिशन दी है। है कौन तू परमिशन देने वाला? ढोलक, घोचू, गेंडे, दिस इज माय लाइफ, मेरी पसंद, मेरी ताकत, मेरी खुशी। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ऐसा है। क्या फर्स्ट टाइम? 20 साल से मैं डे नाइट पी रहा हूँ, मेरी जूती भी पीती है। क्यों घूर रहा है बे? तुझे चखनी है क्या? बिना चखने के इस गधे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रामराज, राम क्या देगा बाबा जी का ठुल्लू? हाँ सर, मुझे लगता है इसे तुम ही मैनेज कर सकते हो, जरा संभालो। श्योर सर, मैं देखता हूँ। गुरु जी, कैसा है तू? उन्हें बहुत बुरा लगा। तू उसकी साइड में कि मेरी? मेरी खातिर मेरा हमजोली बाहों की डोली में लेके जा रहा है, इसलिए जा रहा हूँ। सॉरी समधी जी, आदेश साधु भाई के लोग शहर में आ चुके हैं, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आई है। अगर ऐसा है तो बादशाह हमारे चंगुल से दूर नहीं। बादशाह तुम्हारे सामने बैठा। What? Yes, बादशाह तुम्हारी आंखों के सामने है, ये है बादशाह। Yes, मैं हूँ बादशाह। हम ही जंग शुरू और खत्म करते हैं, बाकी सब घास चरते हैं। सॉरी आदेश, okay. तुम इसकी बात छोड़ो, बस इस पर फोकस करो कि साधु के लोग कहाँ हैं। श्योर सर, आज से मैं और मेरी टीम यही करेंगे। इसकी T20 की टीम है क्या? आदेश, साधु भाई के लोग आधे घंटे में शहर में पहुंच जाएंगे, पुलिस ये बात अच्छी तरह से जान चुकी है, तुम उन्हें सावधान कर दो। मैं पहले ही पता कर चुका हूँ, साधु भाई का राइट हैंड रॉबर्ट और राकी रसूल सिटी के बाहर विरार तक पहुंच चुके हैं। गुड, आप उदास क्यों है डैड? ये पुरानी जगह देखकर तुम्हारी माँ की याद आती है, छोटी सी खोली में हम तीनों रहते थे बेटा। मेरे लिए जिंदगी में पैसा ही बहुत मायने रखता था, और वो पैसे की जगह रिश्तों में अहमियत रखती थी। तब मुझे वो समझ में नहीं आया था, मैंने गलती की थी, मैंने उसे खो दिया। मैंने आपको माँ के बारे में नहीं बताया, आई एम सॉरी पापा। मेरा मकसद पूरा होते ही मैं आप दोनों को एक दूसरे से खुद मिलवाऊंगा। प्रेस मीटिंग बुलवाऊं? पर क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है, अपना टैलेंट लोगों को नहीं बताएंगे तभी वो सोता हुआ प्रेम प्रताप सैटिस्फाई होगा, है ना? हाँ चाचा। हाँ तो देर किस बात की? तो सब तैयार हैं? मैं सनसनी फैला दूंगा, डिपार्टमेंट को हिला दूंगा, माफिया को हमेशा के लिए सुला दूंगा। एक ही दिन में साधु भाई के लोगों को पकड़ कर दिखाऊंगा। अगर वो सुन रहे हैं तो पकड़े जाने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। मेरे खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता हूँ मैं हूँ खड़क सिंह। आदेश सर, मैं इसे अपनी बहन की वजह से टॉलरेट कर रहा हूँ, ये क्रॉस्ड हिज लिमिट्स, मैं उसे अभी सस्पेंड कर दूंगा। प्रेस मीट बुलाओ। पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हो गई है, और देर नहीं करेंगे, मटेरियल को आज रात को ही भेजना होगा। इस बात में अगर जरा सी भी देर हुई तो साधु भाई छोड़ेंगे नहीं। देखो भाई लोग, मुंबई तो है ही, दिल्ली, हैदराबाद और कलकत्ता में एक ही समय में ये ब्लास्ट होना चाहिए। कल पूरी दुनिया में सारे टीवी चैनल्स पर यही ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। कौन है बे तू?
बताता हूँ चपड़गंजो, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के कच्चे बनियान से लेकर पैंट तक सब गीला हो जाता है। और भी सुनो, मैं वो पत्थर हूँ जिससे मुजरिम टकराता है तो चूर चूर हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है चपड़गंजो। और तारीफ सुनो, जब मैं कहीं धावा बोलता हूँ तो मुजरिम मुझसे बचने के लिए खुद पैर पड़ता है। मेरे बाप ने एक शराब खाने में दारू पी के दारू खाना तोड़ दिया था, उसे इनाम मिला था। और मेरी माँ ने भाजी बेचते समय एक भाजी चोर को पकड़ा था और उसके पैसे भी छीन लिए। ऐसे माँ बाप का खून मिलाकर जो बच्चा पैदा हुआ वो मैं हूँ, प्रेम प्रताप सिंह। बाप के पैसे की दारू पेट में और देखने में शक्ल चोरों की तरह है, तू कर क्या लेगा बे? मैं तो डर गया, ये नकाब किस लिए, एलर्जी है क्या? नहीं चाचा, आपको फेमस करने के लिए ये किया है। आप कार में बैठिए, इनका खाता खाली करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। इस बम ब्लास्ट में ढेर सारे बेगुनाह लोग खामखा मारे जाएंगे। तुम्हें से किसी भी कीमत पर रोकना होगा। हर साले को सर, मैंने सारा RDX रिकवर कर लिया है। उनका प्लान नाकाम हो गया। अब तो साधु भाई को डेफिनेटली मुंबई आना पड़ेगा। यू आर करेक्ट राम, अब हम टारगेट के बहुत ही करीब हैं। गुड लक। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर प्रेम प्रताप सिंह। शराब पीने की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनका स्टेटमेंट था कि वो साधु भाई के आदमियों को पकड़ेंगे, जो कि बेबुनियाद है। और डिपार्टमेंट की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, और इसीलिए इसी रोज से उन्हें सस्पेंड किया जाता है। बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये डेड बॉडी है रॉकी रसूल की, साधु भाई का आदमी। बेटा गधे हुक्म का इंतजार करते हैं, शेर सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। मैं वो शेर हूँ जो दहाड़ता कम है और काटता ज्यादा, आप वो कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंकता है काटता नहीं। ये प्रेम प्रताप कहता है, साधु भाई कैंसर ठीक हो सकता है, एड्स सुधर सकता है, लेकिन तुम जैसे कुत्तों की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ खड़क सिंह खड़कने वाला। वाह 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 वाह, क्या खड़काया है सर। इस परफॉर्मेंस से आपके साले की खिड़की बंद और आदेश की खटिया खड़ी हो गई। एक काम करो राम, मुझे एक लड़की चाहिए अर्जेंट। कैसी घटिया बातें कर रहे हैं? इसमें घटिया क्या है बेटा, फिल्मों में हीरो की फाइट के बाद एक आइटम सॉन्ग होता है ना, मुझे आइटम गर्ल दिला दो। आइटम गर्ल? ऐसी वैसी आइटम गर्ल नहीं चाहिए, या अनुष्का लाओ या कनुष्का, या फिर दोनों को ले आओ। अरे सर ये इतना आसान नहीं है। कहां से लाए? आसान क्यों नहीं है, सपने में कुछ भी हो सकता है, ये सपना ही है ना। अरे सपने में भी प्रॉब्लम है सर, हम तय नहीं कर सकते। फिर कौन तय करेगा? सोता हुआ प्रेम प्रताप तय करेगा, जिस लड़की को वो डिसाइड करेगा वही उसे एंटरटेन करने आएगी। अरे तुम भी पता नहीं उसकी क्या चॉइस है। भाई हम ब्लास्टिंग ऑपरेशन पर जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे उसको फेल करने के पीछे जिसका हाथ था वो ये है, पुलिस का इन्फॉर्मर। तेरे मरने से पहले तुझे एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हम अपने हर काम को 100% अंजाम देते हैं। साधु भाई को आज तक उनके इरादों में कोई नहीं हिला पाया। वो एक आदमी है,
कौन है वो? बादशाह। बादशाह के नाम से ही तुम्हारी आंखों में डर दिखने लगा है। तुम डेफिनेटली बादशाह के हाथों मारे जाओगे। तेरे मरने से पहले ये इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से, बादशाह उसी के साथ है जिस अफसर के साथ मैं काम करता हूं। ए, कौन ऑफिसर? कौन ऑफिसर बताओ मुझे, कौन ऑफिसर? बादशाह पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है भाई। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले भी उसने एक बार मुझे पीटा था। मैं पूरी तरह से समझ गया, वो नकाबपोशी बादशाह है। करेक्ट भाई, क्योंकि प्रेम प्रताप सिंह पुलिस के नाम पर धब्बा है, वो तो एक जेब कतरे तक को नहीं पकड़ सकता। उस टेंगो से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बादशाह और उसके पीछे जो पुलिस वाला है वो दोनों चाहिए। जैसे शादी का दिन पास आते जा रहा है, टेंशन से मेरी जान जा रही है। टेंशन मत लो, वो गेंद छोड़ के फुटबॉल से खेलेंगे, तुम बस खेल देखती जाओ। हे राम राम, तू यहाँ दूसरे की वेडिंग प्लान करने आया था, अपनी वेडिंग प्लान करने लगा? शक्ल ऐसी, सीरत वैसी, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, लड़की को क्यों पटा रहा था? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो और किससे पूछूं? सोते हुए प्रेम प्रताप से पूछिए ना। कितनी बार समझाया कि ये लोग और आने वाले सीन सब उसका सपना है, फिर भी आप बार बार मुझसे सवाल करते हैं। हाँ हाँ याद आया, सॉरी राम, फर्स्ट टाइम मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। उस गधे की सोच इतनी गंदी क्यों है साली? ये लो, ये बात मैं कैसे जानूं? करेक्ट है, लेकिन ये सब जानकी को याद तो नहीं रहेगा ना? अरे पागल हो, आपका सपना उसे कैसे याद रहेगा? तू नाराज मत हो राम, वो प्रताप इतना अजीब सोचता है कि ये प्रताप कंफ्यूज हो जाता है। राम, उन्होंने हमारे इन्फॉर्मर केशव का कत्ल कर दिया है। हमें पूरा यकीन है कि साधु भाई शहर में ही है इस वक्त। तुम जरा सावधान रहना, हमारा मिशन कंप्लीट होने से पहले किसी को बादशाह के बारे में कुछ भी पता ना चले। मैं बादशाह हूँ ये तो मेरी माँ भी नहीं जानती सर। ओके ओके सर। तो तू है वो बादशाह? बोल, पूरे देश की पुलिस जिस मुजरिम के पीछे पड़ी है वो तू है? नहीं माँ, मैं मुझे कुछ नहीं सुनना। जिसका डर था वही हुआ, अपने पिता की तरह तू भी एक मुजरिम बन गया ना? जी जी, मेरे जिंदा रहते मुझे अपना मुख कभी मत दिखाना। माँ, मेरी बादशाह बनने की वजह है सिद्धू। और कितना वेट करेंगे माँ? होगा। हाय माँ। कैसे है बेटा? हाय भैया। सिद्धू, तुझे पता है ना मैं आज यूएस जा रहा हूँ, सोचा साथ मिलकर नाश्ता करेंगे तो तू लेट आ गया। इसके लेट आने के पीछे कोई रीजन होगा। वो कुछ भी करे वो सही है ना? इनको प्रिंट कराने में टाइम लग गया। तुम जब कॉफी पियोगे तो माँ और मेरी याद आएगी, ठीक वैसे ही जब हम पियेंगे तो तुम्हें याद करेंगे भैया। देखा इसे, ये है तुम्हारा भाई। पागल है ये, आज दिन अब तो मुझे हर सेकंड याद करेगा। कैसा लगा माँ? तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहना। मैं तो रहूंगा माँ, इन पर डाउट है। मुझ पर डाउट है? वो तो हो गई, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने की बजाय तुम यूएस क्यों जा रहे हो? देख, यहाँ ISIPS को जितना मिलता है ना, उससे 10 गुना वहाँ कमाऊंगा। सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं, तभी अमेरिका तरक्की कर रहा है और हमारा देश पीछे रह गया है। अच्छा, बैंगलोर कहाँ है? इंडिया में है ना? अच्छी नौकरी मिल रही थी फिर भी नहीं गया, क्यों माँ? तो क्यों नहीं गया वहाँ? माँ, भाई तो बचपन से तुम्हारे साथ है, मैंने लेट जॉइन किया था ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे सड़क से उठाया और प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, ये मैं कैसे भूल जाऊँ माँ? ए, ऐसी बातें करेगा तो थप्पड़ खाएगा। देखो ना माँ, ये मुझे बिल्कुल सगा नहीं समझता। अच्छा, सॉरी भाई, दोबारा नहीं कहूँगा। ऐसा कहा ही क्यों? सॉरी बोला ना। ठीक है ठीक है। इसकी मूंछ में गुस्सा है, ये कटवा दूँ। अरे माँ, मैं बैग वहीं भूला है, मैं अभी लेकर आता हूँ। संभल के जाना। ओके माँ। सिद्धू। आई एम ओके। देर हो रही है, जल्दी आ। Oh!
इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि गुलशन चाट ब्लास्ट में साधु भाई का हाथ है। हमने टीम लगा दी है, आगे ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए सारी सावधानियां बरती जा रही हैं। इस बम ब्लास्ट में सारे मरने वाले परिवारों को सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया है। भाई ये न्यूज पढ़ी तुमने? पूना की बेकरी में बम ब्लास्ट, कई बेकसूर लोग मारे गए। इंडिया में तो ये कॉमन बात है। इस ब्लास्ट में मैं मर जाता तो ऐसे ही कहते? एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ की गरीबी नहीं है, ये टेररिस्ट और माफिया यहाँ की असली प्रॉब्लम है। इन सालों को तो लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। सर, मैं पुलिस फोर्स में पावर के लिए और प्रॉपर्टी के लिए नहीं, देश के लिए आना चाहता हूँ। मुझे साधु भाई के गैंग को खत्म करना है जिसने हमारे देश में बिना वजह बेकसूर लोगों को मारा है। इसी वजह से मैंने प्रीलिम्स में 90% स्कोर किए थे, फाइनल्स 95% से क्लियर किए, ट्रेनिंग पीरियड में हर इवेंट में फर्स्ट ग्रेड से सिलेक्ट हुआ हूँ, तब भी आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। मे आई नो द रीजन सर? योर फादर। इस रिजेक्शन की वजह है तुम्हारे पिता धनराज। मेरे पिता 20 साल पहले मर गए, वो वजह कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा पिता जिंदा है। तुम जिस साधु भाई को खत्म करना चाहते हो उसी साधु भाई के अंडर तुम्हारा पिता मकाओ में एक कैसीनो चलाता है। हमारे रूल के मुताबिक क्रिमिनल हिस्ट्री वाली फैमिली में से किसी को रिक्रूट नहीं करते, दैट्स व्हाई यू आर रिजेक्टेड। 20 सालों से मैं साधु भाई को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे पिता धनराज एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, अपने टैलेंट पर काम ना मिल पाने की फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने साधु को एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ज्वाइन कर लिया। इंडिया छोड़ते वक्त तुम्हारे पिता ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी यहाँ से ले जाने की कोशिश की थी, पर तुम्हारी माँ नहीं मानी और एक झूठे एक्सीडेंट के जरिए साधु ने तुम्हारे पिता धनराज को ये यकीन दिलवाया कि तुम लोग उसी एक्सीडेंट में मारे गए। उसी तरह उन्होंने धनराज की मौत का भी तुम्हें यकीन दिलवाया। राम, मैंने तुम्हारी बातों में और आंखों में सच्चाई की एक आग देखी है। अपने पिता के जरिए तुम्हारा उस गैंग में घुसना बहुत आसान हो जाएगा। साधु भाई इंडिया में मेजर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। अगर जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम करोगे तो तुम्हारे पिता पर लगाए सारे इल्जाम हटा दूंगा। व्हाट डू यू से? श्योर सर, आज से मेरा भी टारगेट है साधु भाई। ऐसे शुरू हुआ ऑपरेशन बादशाह। अपने अंकल की मदद से इसने टेररिस्ट के गैंग को ज्वाइन करके देश के कई गैंगस्टर्स को खत्म कर दिया। साधु भाई के मेजर बम ब्लास्ट के प्लान को नाकाम करके इसने हम सबकी जान बचा ली। सिर्फ इतना ही नहीं, माफिया में फंसे अपने पिता को सुधार कर सही रास्ते पर ला खड़ा किया। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। इट्स ओके माँ, डैड हमेशा आपकी बातें करते हैं। कहाँ है वो? जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप सुधारते हैं, पर बेटा होते हुए तूने मुझे सही राह दिखाई। ऐसे बेटे की माँ होना बड़े फक्र की बात है। मैंने इटली में जो कुछ किया वो सोच के बहुत शर्म आती है। मैंने तुम्हें अपनी गेंद की फिलॉसफी से बोर किया ना, श्री कृष्ण की तरह लीलाएं दिखाई तुमने और मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। वो सब भूल जाओ, फाइनली प्रेमी तो माना, अब हस्बैंड मान लेना। आसान नहीं है, आदेश धोखेबाज है और पापा ये नहीं जानते। शादी कैंसिल कैसे हो पाएगी, उन्हें कौन समझाएगा? अरे उसके लिए कल मैंने संगीत, डांस और गाने का धांसू इंतजाम किया है।
रामराज, हमारे परिवार के संगीत के बारे में पूरे शहर में चर्चे होने चाहिए। प्लानिंग तो परफेक्ट है ना? प्लानिंग तो परफेक्ट है, पर अगर आप गड़बड़ नहीं चाहते तो प्रेम प्रताप को दारू से दूर रखिए। रिक्वेस्ट तो करके देखिए। जाओ जाओ बच्चों। प्रेम प्रताप जी, बच्चों में बहुत पॉपुलर हो आप। लोगों को प्यार करता हूँ तभी पॉपुलर हूँ। सही कहा। देखो, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? देखो, मैं नहीं चाहता कि शहर में लोग हमारे परिवार की खिल्ली उड़ाएं, इसलिए आज के दिन शराब मत। तेरी सड़ेली फैमिली के लिए मैं पीना छोड़ दूं? अरे क्या कर रहे हैं, बुजुर्ग आपसे कह रहे हैं, बस एक दिन की तो बात है। मेरा हमजोली कह रहा है इसलिए ओके। भैया वो तो हो जाएगा। निर्मला, ये यहाँ क्यों आया है? मैंने तो बताओ किसने बुलाया है? मैंने सर। तुमने? वो हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, तुम नहीं जानते ये। गुस्सा मत कीजिए सर, मैं ये बात जानता हूँ। इस तरह दुश्मन को दूर रखे सजा नहीं दी जाती। तो फिर सजा देनी है तो दुश्मन को अपने घर पर बुलाओ। जब वो आपकी आन बान और शान देखेगा तो जलन के मारे अपने आप मर जाएगा। सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप कैसे हैं भैया? तुम कैसी हो? आप ठीक हो ना? कैसे हो साले? शादी के वक्त मैं गरीब था, इसीलिए तुम अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में नहीं देने वाले थे ना? बताओ, उसके बाद भी तो आप निर्मला को सामने से भगा कर ले गए थे। आज उसी गरीब के घर की शानदार शादी देखो। सुनो गोपी कृष्णा, साले साहब के बैठने का इंतजाम करो। आइए। तुम्हारा एहसान है बेटा, कई सालों बाद अपने बड़े भैया से मिली हूँ। इस थैंक्स का हकदार मैं नहीं, जानकी है, इसी ने मुझे सारी बात बताई। थैंक्स बेटा। नमस्ते नमस्ते संदीप जी, संगीत तो बिल्कुल शादी जैसा लगता है। तो क्या शादी कैंसिल? अरे सेंटी हो गए, कहा था ना शादी में मजाक चलता है। आदेश, इस फंक्शन के खत्म होने से पहले पता लगाओ कि प्रेम प्रताप के पीछे ये बादशाह कौन है। ओके डैड। सर मुझे एक खास बात करनी है। जानते हैं सर, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि प्रेम प्रताप का बिहेवियर कुछ बदला हुआ सा है। एक बात और है सर, वो कह रहे थे कुछ बेगम गुलाम। बादशाह? हाँ वही सर, उन्हें वो रोज फोन करते हैं सर, दोनों रेगुलर टच में हैं और रात को तो वो मिलने भी आता है। बादशाह को देखा तुमने? कोशिश की थी सर, पर अंधेरे की वजह से ठीक से देख नहीं पाया। पर एक बात कंफर्म है सर, वो आदमी तो बहुत खतरनाक है। आपको एक और शॉकिंग बात बताऊं? क्या बात है? वो आपको खत्म करने वाला है, और आपके अलावा एक और सिद्धू भाई। साधु भाई? हाँ करेक्ट भाई। क्या आप दोनों साधु भाई के साथ काम करते हो? नहीं, पर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? ये शादी वादी में क्या मिलता है सर, थोड़ा इनाम विनाम मिल जाए तो। पर इसके बारे में किसी और को मत बताना। थैंक यू सर, इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ी एडवाइस भी दे दूं, ये फ्री है। बताओ। आप उस बटले को एक बाटली में उतार दो, वो सब कुछ बक देगा। लेकिन बोतल? ये भी फ्री है। गुड इवनिंग अंकल जी। गुड इवनिंग, क्या है? आपके लिए स्पेशल बॉटल। सॉरी, आज मैंने राम को प्रॉमिस किया है। करेक्ट है गुरुजी, लेकिन दूल्हे को मना नहीं कर सकते ना। आप जूस पी लो। जूस है तो ओके। जूस? राम, ये गधा कल तक डांटता था, आज मेहरबान कैसे हो गया? क्या पता सोए हुए प्रेम प्रताप ने क्या प्लान बनाया। अरे हाँ करेक्ट। अंकल जूस। दो ग्लास क्यों लाए? अच्छा लगे तो दूसरा लीजिएगा। अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा। तो एक और पीजिए ना। थैंक्स। एक और ले आओ अंकल। ले आ। सुनो, जूस तो गायब हो गया। हाँ? शह, इतना सारा कौन पी गया? और कुछ दिनों बाद बांधने के लिए बाल नहीं बचेंगे। रामराज, सारे गेस्ट आ गए हैं, प्रोग्राम शुरू। हाँ सर, घर की लेडीज ने एक गाने पर डांस प्रैक्टिस किया है, उन्हीं से शुरू करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, वो ढंग से खाना तो नहीं बना पाती। डांस क्या खाक करेंगी, ये सब मेरी नाक कटा देंगी। हमारे परिवार में कोई भी फंक्शन हो तो उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ। मलती गुंधाए केश प्यार गुगुवारे मुख दामिनी सिदम खस छल मतवारी जय कृष्णा जय कृष्णा। ये कौन सा डांस है? भरतनाट्यम। नहीं, ये तो भूत नाट्यम है। दारू पी के उल्टे पुल्टे स्टेप्स कर रहे हो और खुशी के नाम पे दुखी एक्सप्रेशंस दे रहे हो, हैं? निर्मला, अरे चिल्लाते क्यों हैं? क्लासिकल डांस किसको कहते हैं आपको क्या मालूम? भरतनाट्यम करने से पहले कमल आसन को तो देख लिया होता। ससुर जी, क्या सिर्फ लड़के ही डांस कर सकते हैं क्या? अब मैं समझा जूस कहाँ गायब हो गया था। मैं जयप्रदा की बहुत बड़ी फैन हूँ, हम मिनट में स्टेज को हिला के रख देंगे। ये रामराज, लेट्स स्टार्ट।
चढ़ती जवानी मेरी ताल मस्तानी तूने कदर ना जानी हमारी। चढ़ती जवानी मेरी ताल मस्तानी तूने कदर ना जानी रामा। हाय रामा हाय रामा। परिवार के फंक्शन में शराब कैसे पी सकते हो? पूरी की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तुम भी इनके साथ हो गए। सर उन्होंने ही कहा ये तो पागल हैं, पर तुम में अकल नहीं है। इनकी गलती नहीं है सर। तो फिर किसकी गलती है? जूस में दामाद जी ने दारू मिला दी। ये देखिए मेरे पास फुटेज भी है। अरे सुनो, उस टिंगूरे बादशाह के बारे में कुछ बताया? वो क्या बताएगा, वो तो जूस पी के टुन है। कोई फायदा नहीं, इस टिंगू प्रेम प्रताप सिंह को किडनैप कर लेते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कद्दू, इसकी हिम्मत देखो, मुझे किडनैप करने चला है। धीरे, क्यों चिल्ला हूँ? मैं डिपार्टमेंट में तुझसे ज्यादा पॉपुलर हूँ, इसलिए मुझसे जलता है तू। चिल्ला मत, वरना तेरा गला फोड़ देगा। मारेगा, मार मार मुझे, किल मी ऐसे। सर वो मैं तुम्हारा कैरेक्टर अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। पहले तूने जूस में शराब मिलाई और अब मेरे बहनोई पर हाथ उठाता है, क्या है तू? आदमी है या जानवर? अरे आप अपने दामाद पर क्यों चिल्ला रहे हैं? शादी में मजाक तो चलता ही रहता है। ये कैसा मजाक है कि मेरे बहनोई पर हाथ उठाएगा, वो भी मेरे ही घर में मेरे ही सामने। मेरा साला मुझे कितना मानता है, काश ये सपना सच हो। अपनी इज्जत प्यारी है तो इनके पैरों पर गिरकर माफी मांगो। अरे इसमें इतना सोचना क्या, मैरिज कैंसिल हो जाएगा, पैर पड़ो। ये क्यों पैर पड़ेगा, सबकी गाली खाए और पैर भी पड़े? इस कमिश्नर को इसके पैर पड़ना चाहिए, तुमसे कहीं ज्यादा हमारी इज्जत है। क्या फायदा ऐसी इज्जत का कि बेटे की गलती पर इसको डांटने के बजाय सपोर्ट कर रहे हो? भूल कर भैंस की तरह हो गए हो, दिमाग में भूसा भरा है क्या तुम्हारा? बुड्ढे सामान संभाल के। बुड्ढा बुड्ढा कहा तुमने मुझे? अब एक मिनट भी यहाँ रुके तो उठा कर फेंक दूंगा बाहर। हमने भी औरतों की तरह चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे बच्चों की तरह क्या लड़ रहे हो, शादी कैंसिल करो और छुटकारा पाओ। इस तरह लड़ोगे तो सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। तूने सही कहा, ये शादी कैंसिल। अरे तू क्या कैंसिल करेगा, मैं करूंगा ये शादी कैंसिल। निकल जाओ यहाँ से। रुकता कौन है, घटिया फैमिली। घटिया होगा तू, मेरी फैमिली, तेरा बाप, तेरा पूरा परिवार मुझे घटिया बोलता है। सर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जीजा जी, इस शादी के कैंसिल हो जाने से हमारी इज्जत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है किस्मत में हो कि आपको इससे बेहतर दामाद मिले, इसलिए ऐसा हुआ हो, क्या कहते हो? करेक्ट सर, उसका थोपड़ा तो जानकी मैम के फ्रेम में फिट ही नहीं बैठता। इस कलरफुल फ्रेम के लिए तो दूल्हा कोई और चाहिए। डिपार्टमेंट के लिए केशव ने अपनी जान न्योछावर कर दी, उनके फैमिली की देखभाल करना अब हमारा फर्ज है, इसे रख लो। थैंक यू अंकल। थैंक्स तो हमें तुम्हारे पापा को कहना चाहिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर कहना। ए आई जी,
हमने 12 मुल्कों की पुलिस को धूल चटाई है और तू हमसे कबड्डी खेल रहा है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आदेश ने आरडीएक्स पुलिस के हवाले नहीं किया और ये भी जानते हैं कि तेरे पीछे कौन है। बादशाह कहाँ है ये पता, वरना तू भी गायब हो जाएगा। ए साधु, आदेश जैसे धोखेबाज पैसों के लिए देश को दगा दे सकते हैं, पर कई पुलिस वाले ऐसे भी है जो अपनी जान भी दे सकते हैं। अब बता, मुझे फिल्म में क्यों लेना चाहता है? इसलिए क्योंकि टीवी पर तुम्हारा हीरोइज्म देखकर लगा कि फिल्म तो हिट हो जाएगी। पर मुझे कौन देखेगा? येड़ा रॉबर्ट, मेरे साथ तुम्हें देखकर उसकी गिली हो जाएगी। अगर ना हुई तो मैं मर गया। है? उसका तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है? दुश्मनी। उसने पैसा मांगा, मैंने ठेंगा दिखाया, वो गुस्साया, मैं भागा। उसने इटली में हमला भी किया था। इटली जैसा फेस लेकर इटली क्यों गया था? लोकेशन देखने गया था मुन्ना, पर वहां के कोऑर्डिनेटर गोपी ने धोखा दिया। अबे फिर क्या हुआ बता, चुप क्यों है? वो तो नहीं आया, पर उसने अपनी भांजी भेज दी। मेंढक की तरह क्या देख रहे बता ना। और वो वहाँ पे अपने दो चमचों के साथ आई। अबे दिमाग का बल्ब उड़ गया है क्या? नहीं, वो मेरे सोचने में प्रॉब्लम है। कहानी सुनाता हूँ तो कैरेक्टर सामने आ जाता है। मेरा विजुलाइजेशन बहुत तगड़ा है। तो इसके साथ भी मेरी तरह ही होता है? लगता है सोया हुआ प्रेम प्रताप भी चाहता है कि मेरा भी किसी हीरोइन के साथ टाका भिड़ जाए। अब बता हीरोइन कौन है? सरिता गवार। और मेरी को स्टार बेसलीखा गरावत। बेसलीखा गरावत, तेरा कपड़ों का खर्चा बच गया। लोकेशन कहाँ है? आई ये बता भूतिया, वो बेसलीखा गरावत कुछ मोटी हुई या पतली है? हाथ कंगन को आरसी क्या? अभी मिलवा देता हूँ सर। तो देर किस बात की है? स्कर्ट वाली को छोड़ के सब पैंट वाले, येड़ा रॉबर्ट, आदेश, साधु भाई, गेंडा, ये सब लोग भी फिल्म में है क्या? समझा, ये सपने का क्लाइमैक्स है। सबको इकट्ठा करके उसने ये सिचुएशन बनाई होगी ताकि मैं सबकी बचा सकूं। अबे ओ बड़ बोले, तेरी वजह से हमारी यहाँ फट गई है। उस बटले को इन्हें सौंपो और हमें यहाँ से छुड़ाओ। मेरी फिल्म की रिलीज डेट सर पे है। तू मुझे इनको क्या सौंपेगा? मैं इन सबको जेलर को सौंप दूंगा। अबे आदेश, ये भैंसा और तू यहाँ गुंडों के साथ क्या कर रहे हो? दादा चिल्ला मत, बादशाह कहाँ है? बादशाह से ही पूछ रहा है कि बादशाह कहाँ है? मैं हूँ बादशाह, जंग मैं शुरू करता हूँ और खत्म। तूने खड़क सिंह को खड़काया? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता हूँ मैं। अरे बैकअप बोलिए ना, देर हो रही है। अगर मुंह खोला तो वो हम सबका बैकअप कर देगा। हर में क्या बैकअप? Hey, मुझे मारता है, मेरी ही दुनिया में मुझ पर ही हाथ उठाता है। ये तुम्हारी दुनिया है? Yes, this is my world. ये पूरी दुनिया मेरी है। मेरी दुनिया की ऐसी की तैसी, बेकार में बकबक किया जा रहा है। मैं बकबक नहीं कर रहा हूँ, तुम सब मेरी दुनिया में हो, तुम सबको मैंने क्रिएट किया है। सोए हुए प्रताप ने ये तमन्ना की है कि तुम सब मेरे सपने में आओगे, मैं तुम्हें पीटूंगा, और वो सो रहा है। ऐसा? पर वो कहाँ सो रहा है? सपने के बारे में किसी को नहीं बता सकते। बताए तो सपने में ही टपक जाओगे। इम्पॉसिबल, वो मैं नहीं बताऊंगा। माँ, डैडी, दादा, दादी, बुआ, फूफा, रुक जा यार, अगर मैंने बताया तो मैं मारा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। नहीं बताओगे तो भी मारे जाओगे, बताओ। अरे ये क्या, सपने में पिट रहा हूँ और खून भी निकल रहा है। उसने सपने में ऐसी सिचुएशन ही क्यों बनाई? मैं ऐसे किसी सपने का हिस्सा नहीं बनूंगा, मुझे इससे फौरन बाहर निकलना होगा। पर कैसे? आंख बंद करके बस गाना गाना है। ले 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 प्यारे प्यारे। अबे क्या सोच रहा है बता। सर मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं सब क्लियर करके बताता हूँ, प्लीज। ओके। ले 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 प्यार ले प्यार दे ले 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 प्यार ले प्यार दे प्यार ले प्यार ले प्यार दे प्यार ले प्यार दे। अरे ये तो ऐसे सो गया जैसे सुहाग रात के बिस्तर पर सोया हो। उठ बेटा, दूध पी ले। उठ। अरे ये तो सपने में भी थे, लगता है चाइनीज मशीन फेल हो गई है। साला डुप्लीकेट माल ऐसा ही होता है। सुबह हो गई मामू, चल उठ जा। ये रामराज ने मुझे बेवकूफ बना दिया। रामराज? कौन रामराज? कौन रामराज बता यार, बताता हूँ। उसी की वजह से तो मैं फंस गया। ये देखो, ये तो वेडिंग प्लानर है। शट अप, यही है बादशाह। यस, यही है बादशाह। अगर ये बादशाह है तो फिर शाहरुख खान कौन है? साधु, उसकी चाल को समझना नामुमकिन है, इसीलिए हम लोग उसे मास्टरमाइंड बादशाह कहते हैं। जानकी की मदद से आदेश को पकड़ा और प्रेम प्रताप को ड्रीम मशीन का झांसा देकर आदेश को उकसाया और तुम्हें यहाँ आना पड़ा।
तेरे जैसे भेड़िये को मारना आसान नहीं था, इसीलिए बादशाह ने बकरे का इस्तेमाल किया। अरे अपने सपनों को सच करने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, वही है ये ड्रीम मशीन। आप अपने सपने में हैं। मेरे सपने में वो क्या करेगा? वो हम तय नहीं कर सकते। सोते हुए प्रेम प्रताप से पूछिए, आप सपने के बादशाह बन जाएंगे। अच्छा तो ये सपना नहीं है भाई, ये तुम्हें अभी पता लगे। तो उसने पूरे घर में मुझे ही मामू क्यों बनाया? तुम सड़ी हुई वो मछली हो जिसे गली के कुत्तों को फेंका जाता है। आदेश, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। विल्सन को फोन करके जू एयरबेस से हेलीकॉप्टर तुरंत मंगवाओ। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तुम्हारा आरडीएक्स इंडिया में जब पकड़ा गया था उसी रोज मैंने इसे अपने डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया था। इसे तो एक्टिंग में भास्कर मिलना चाहिए। साधो, इसने माफिया को तब ठोका था जब ये यूनिफॉर्म में नहीं था, और आज जब ये यूनिफॉर्म में है तो सोचो ये तुम्हारी कितनी छोटी छोटी बोटियां करेगा। बादशाह, पिछले 20 सालों में एक भी पुलिस ऑफिसर मुझे इंडिया की बाउंड्री में नहीं ला पाया, तुमने कर दिखाया। ग्रेट, तुम जो चाहोगे मैं दूंगा, मांगो जो चाहते हो, बस मुझे जाने दो। साधु, इन जैसों के एड्रेस इनके ड्रेस पर नहीं होते, इसलिए ये लोफर तुम्हारे ऑफर से बहक सकते हैं, पर इस ड्रेस का एड्रेस है, मेरा नाम है रामराज, मेरा नाम है रामराज, मेरा नाम है रामराज। इस नाम का मतलब जानते हो? तो श्री राम ने जब धनुष उठाया तो रावण का वध हुआ और लंका जल के भस्म हो गई थी, जल के भस्म हो गई थी, जल के भस्म हो गई थी। नो डाउन, योर टाइम इज ओवर। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आईजी मरेगा। स्टंट है, अगली फिल्म में यही फॉर्मूला यूज करते हैं भाऊ। हाँ, राज शेट्टी का भी बिल्कुल यही फॉर्मूला है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल सर। ओके, we'll be right back.
आज तक तूने जो बॉम ब्लास्ट करवाए हैं उसमें कई बेकसूर मारे गए हैं। उन्हीं में से एक जान मेरे प्यारे भाई सिद्धू की भी थी। तू पाताल में भी छिपा होता तो वहां आकर मैं तुझे जान से मार देता। जो कसम मैंने खाई थी वो आज पूरी कर ली। गेम ओवर। बादशाह, सब के सब मर गए, एक मैं बचा हूं और एक तू बचाया। तुझे नहीं लगता कि स्टार्स आर ऑन माय साइड? आई एम लकी। शैल आई ट्राई माय लक? शिट, बचा बचा बचा, नो नो नो। Sir, Operation Bacha is completed. हमारे परिवार की परंपरा कायम है। एक पुलिस ऑफिसर ही मेरा दामाद है। ये सब मेरे पुरखों का आशीर्वाद है। डैड, आज आपको खुश देखकर ऐसा लगता है जैसे स्टेडियम में किसी ने गेंद पर घुमा के छक्का मारा हो। एग्जाम्पल पुराना है पर एक्सप्रेशन है। क्यों गुरुजी, ये सब एक सपने जैसा नहीं लगता?